नमस्कार नमस्कार। आई 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 आप बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करतानी, बहुत दिन तक लोग शादी की याद रखी। देखे केहू के याद रखे खातिर ना, बस जौन लोग आवे अच्छा दिल से पूरा मन से नया जोड़ा के आशीर्वाद देवे, बस इतना ही चाहता नहीं हम। हमरा बहुत खुशी मिली। आई बैठी। नमस्कार पापा जी। हाँ हम मुझे सारा तैयारी करवा दिले बने। बहुत हम मुझे 100 को पलंग डलवेले बने और सारा पलंग मिट्टी के ही बा। ठीक बा, ध्यान रखिए सब। आई आई सुनी सासुमा बुला रहल बा। हाँ बोली माँ, काहे बुलाउनी? सुना कलश कम पड़ गए बा और 10 को मंगावे के पड़ी। ठीक बा माँ जी। हाँ। इतना काफी होगी शायद। इतना काफी बाका, जब हम शादी करके एजा आयल रहनी ना, पहला कलश एजा उठावले रहनी और दूसर का अपने घर पे। अब दिन बदल गई बा माँ। हाँ दिन बदल सकेला, लेकिन परंपरा तो ना। नमस्कार। नमस्कार। एक खीर खाई दादी माँ। शादी के का मतलब है? शादी के मतलब है बड़ त्योहार, मतलब होली और दिवाली जैसन त्योहार। वो त्योहार साल में एक बार आवेला, लेकिन ई त्योहार जिंदगी में एक बार आवेला। जब ई त्योहार आवेला, नया रिश्ता नया प्यार भी साथे लावेला और नया कपड़ा भी आवेला। हाँ, नया कपड़ा भी आवेला और उतनी ना सबसे बढ़ के घर में नया पीढ़ी भी आवेला। ऐसे शादी माने बड़ त्योहार, समझ ला? हाँ हाँ। रुको 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 रुको, चप्पल पहन के काहे जा रहल बाड़ा? एक मिनट में दे के आ जाए माजी। देखा शादी के मंडप माने मंदिर जैसन हो खेला। एहिजा अष्टदीपालन सप्तऋषि सब हो खेलन। कलश में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथे विराजित हो खेलन। ऐसन पवित्र जगह पे चप्पल पहन के जेबा का? माफ करें, हमरा पता ना रहे कि मंडप में दशहरा भगवान हो खेलन। चप्पल उतार ले। ईश्वर जगत में अनुबंध बाई शुभ मन के शुभ मन से भई धन्य भागी बने जे भी सहभागी सब मन में छायल आनंद सा रोजे मंगल ही संत परे लक्ष्मी के होई स्वागत वचन सुख राशि जिनकी होई मधुमासी सब देव आशीष दे कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास है कल्याण हरि कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास है कल्याण हरि। दादी माँ, ये शादी तो सच में त्योहार जैसा नहीं रहे है ना? बिल्कुल सच कहला, जब तू बड़ हो जाए बा तो त्योहार शादी भी ऐसे ही करब। गली गली तोहर राह चलल जिया हो बाहुबली प्राण से बढ़ के बाड़ा तू प्यारा तू। हाँ। गाना बाद में गाली। हाँ पहले ही बतावा काले क्या बड़ा। दीदी आपके खातिर ढोका बनी दबाड़ी। सुनी नाश्ता तैयार और अलबानी। पक्षी बोले लका तू तो डोसा बनवलू। एली आपके फेवरेट चटनी। साले साहब। हाँ? रवा जाने नहीं कि विष्णुदेव अमृत केकरा हाथ में देला? देवी लोग के हाथ? अरे ना औरतन के हाथ में, उनकरा हाथ से जवान भी बनेला सब अमृत ही होकेला। सुनी राज जी। सुनो रवा के शायद क्यों बुला रहा है? पहले खाना ओकरे बाद फिर काम। ओकरा चिल्लाए दा, चिल्लाए के खुदा चुप हो जाई। राज जी, ए राज जी। कारे सिनु ऐसे चिल्ला रहल बाड़े जैसे भूकंप आ गई? ई रूल थोड़े बाकी, भूकंप आइला पर चिल्लाई जाला, बाइक लेके गेला पर भी चिल्लाई जाला। बाइक लेके चल गई? हाँ। और के इनकर लाडली बेटी पद्मावती।
सुनी छोटी मालकिन, रवुआ बुलेट बहुत अच्छा चलावेनी। कुछ है दिन बाद हवाई जहाज भी चला ले। हाँ चला तो ले, लेकिन ऊपर आसमान में हवाई जहाज चला रहल बनी, ये तो के नीचे से दिखाई ना दी ना, ऐसे नहीं चलावत। ही रवुआ अच्छा कहानी। देखनी रवुआ, उ त ऐसे देख के चल गेली जैसे हम दीवार पर कोनो पोस्टर लागल बानी। बोली ने रवुआ, बेटी ये सीनू कहत रहा कि तू एकर बाइक ले लू। जी बतौलस की ओकर बाइक ले ले बानी, उई ना बतौलस की काहे ले ले बानी। हां काहे, उ रामराज जी से 25,000 रुपया उधार ले ले रहनी, अब तक ना लौटौनी। अब याद आई, जब उ पैसा लौटा दी तब बाइक वापस दे दे। अब जाए तो बेटी ओकरा लगे ना होई, जब होखी तो दे दी ही। हां हां दे दी ही। जब रवुआ से पैसा ले ले रहे तब कितना महीना बाद लौटावे के कहले रहे? 2 महीना में। और अब कितना महीना बीत गई? मार्च 10 महीना बीत गई, मतलब 8 महीना ज्यादा हो गई। वैसे परसों मुर्गा के शर्ट में कितना मिल रहा है? अगर हम कह देने तो पूरा भांडा फूट जाए। ना ना 50,000 रुपया डूब गेल रहल। अरे बेचारा डूब गेल बेटी। मामा जी एकरा के हमने के कर्जा चुकावे खातिर 25,000 रुपया नहीं के और शर्त लगावे खातिर 50,000 रुपया। सही बा ना? है ना, जब तक हमने के पैसा ना मिले तब तक बाइक ना दे, जा यहां से। अब चली रहुआ मामा जी। मास्टर जी चला रहुआ तो बिल्कुल ही चुप हो गई नी, कुछ तो बोली ना सर। एगो काम करा, 25,000 दे दा। रहुआ भी ये कहब, हमार बेटी जोन कही हम वही करब। आई जाले साहब बहुत सारा काम बा। बाय बेटा, बढ़िया से पढ़ाई करी हा। काहे ए तरह के मर्दानगी दिखावे के का जरूरत रहे? ए तरह से बाइक लेके आईबू का? आजकल ऐसा ही रहे के चाहिए, मामा जी की तरह दयालु रहब ना तो बाकी जायदाद भी चल जाए। वैसे जब रहुआ ऐजा आई रहनी तब इनका लगे कितना जमीन रहे बताई? तकरीबन 100 एकड़। और अभी कितना बा? काहे 25 हुई ना। अब बताई बताई उतने होखे के चाहिए। अब ना मतलब कि तो बाकी 75 एकड़ कहाँ गई पता बा? देखी मामा जी के अच्छाई की वजह से कौनो भी हमारा आके इनके लूट लेवेला। वैसे मामा जी रहुआ अपना आपके अच्छाई के ब्रांड एम्बेसडर समझनी का। केहू भी मदद मांग ले तो बिना आगे पीछे सोच ले मदद खातिर चल दे। काहे रे मामा जी से ऐसी बात कहे करल बाड़ी? काहे ना करी, सब ए ही किलाड़ प्यार के नतीजा। बहिन के पड़ोस में रहे खातिर बोल ले और ई भांजी के सर पे चढ़ा के रख लेवा। सुधर लू ना तो देख लिया ना, ना सुधरब, कहे कि हमारी हक है। और वैसे भी हम एग्रीकल्चर में एमएससी के लिए बनी ताकि ऐजा रह के हम सबके देखभाल कर सकें। बिल्कुल सही कह लू। अब हाँ वेंकटराव प्रसाद से हम बात कर ले बनी, तू एक बार जाके मिल ल। पैसा पैसा तो हम अरेंज कर ही देब। एजा एजा सिग्नल ना मिल रहा बा, हम बाहर निकल के बात करता नहीं। हेलो हेलो कारी, हमार बेटा के डरा रहल बाड़ू, हमार पोता के आ जाए दा फिर देखा है तोहरा के। आवे के काहे वेट करे के बा, हम कॉल कर लेता नहीं, जौन बतावे के बा बता दी। हाँ पद्मा बोला। हेलो सुनो ना, पता है आज का भाई? तू सीनू के बाइक लेके आ गई ये भाई ना? ये तोरा कैसे पता? अभी अभी सीनू योर पद्मा वेरी क्रिमिनल शेटुक माय बाइक टूटर फूटर अंग्रेजी में मैसेज के ले रहा। इतना जल्दी मैसेज भी भेज देलस? हाँ अच्छा बोला, अभी बाइक लावे के वजह से दादी से तहार झगड़ा हो गई, तो सोच लो कि हमरा इला के बाद बताइबू, पर सोच लो कि इतना देर का है, अभी बता देता नहीं। अच्छा तो के सब पता चल जाला। हाँ हमरा पोता के का समझ रख ले बड़ू तू, लावा फोन द। अब बोली। हेलो स्पीकर ऑन कर दिले इसका। हाँ यो पता चल गए, हमनी दोनों ओकरा बारे में गॉसिप करब यही खातिर ना। और देखो तो हमनी दोनों के बीचों बीच में बोले ली। कोनो बात ना, रात के तबीयत ठीक ना रहे अबहिन कैसन बाड़ू। लेकिन तोरा अभी तक एकरा के चुपचाप रह के पड़त। ए पद्मा तोरा के बोले की जरूरत नहीं के, हम सब समझ गए। नहीं समझ गए लो ना, बहुत काम बा, चला बाय। ए का भइल? प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कइले बा। हमके काहे मरला? ओ हमनी के का लागेला? दोस्त, जब दोस्त कुछ करे चाहत बा तो उनका इनकरेज करे के चाहिए, डिस्करेज काहे करत रहा? चला टक। वैसे तू सुसाइड काहे करे चाहत रहा? सुसी से ब्रेकअप हो गई। ओ प्यार के मामला बा, तब तो तू मर जा, कौनो गलत ना होई। वैसे जब तू पिछला जॉब छोड़ ले रहा था तो जीएम के बता ले रहा लगा? और जब घर शिफ्ट के ले रहा था लैंडलॉर्ड के? ओ गुड गुड, तब
जॉब छोड़े वाले के जॉब छोड़ा समय बताइला, घर देवे वाला के घर छोड़ा समय बताइला, तब फिर सांस देवे वाली माँ के सांस छोड़ा समय ना बताइला। बताइए बड़ा का प्रिया, तू इनके माँ के फोन करके इन्फॉर्म कर दा। प्रिया प्रिया ना प्लीज ना, लड़की खातिर जान देवे की हिम्मत बा, माँ के बतावे की हिम्मत नहीं है। देखा, हमनी के लाइफ हमनी के अकेले के नहीं है, हमनी के लाइफ हमनी के फैमिली के है, हमनी के लाइफ हमनी के फ्रेंड्स के है, हमनी के लाइफ हमनी से कनेक्टेड हर एक इंसान के है। तहरा के अगर कुछ हो जाए तो पता बा सबके कितना दुख होई। ठीक बा, अब तू का चाहेला, सुजी तोरा से प्यार करे इतने ना। प्रिया तनी फोन दो। हेलो सुजी, वासु बोला तानी। हाँ वासु बोलो। कुछ ना, तू ओकर प्यार ठुकरा देलू ई खातिर प्रभु सुसाइड करा था। का सुसाइड अटेम्प्ट? ओ कहीं सुसाइड नोट में हमार नाम तो नहीं के लिखले? ऐसा कुछ होना बा, पुलिस केस ना होई ना। प्लीज टेल मी यार, हमरा के कोनो प्रॉब्लम है नहीं के बस के। ना 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 ना, वो बिल्कुल ठीक बा। ओके बाय। तू सुसाइड अटेम्प्ट कैला जब हम ई बताई नहीं, तो सिर्फ अपना बारे में सोच ली कि कहीं ओकरा कोनो प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा लड़की खातिर मरे चाहता रहा तू। आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। ओके गाइस, चला सब लोग अपन काम करा। देखो बात बोली बासु, तू जीनियस बड़ा। मैं जीनियस के का बात यार, हमेशा अपन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कभी कभी दूसरे के व्यू से भी सोचल जाला, जिंदगी आसान हो जाए, सिंपल। अरे हटा सामने से। हेलो सिग्नल बा। ए साइड से निकला यार। क्यों ट्रैफिक ना माने ला? ठीक बाड़ू तू? आदमी के तमीज से रहे के चाहिए, अगर वो बदतमीज होके तो हमरा तमीज सिखावे आवेला। अब कटल प्याज के एकरा पे ऐसे डाले के बा, और फिर तनी तेल, थोड़ा अदरक और जीरा डालबे ना तो और भी टेस्टी लागी। जरूरत ना है वासु, हमरा खातिर एगो एक डोसा इला ना। अरे सबके खातिर बनाओ तो ना, ऐसे हम करनी है। ऑर्डर लेवे खातिर कोनो होटल को लेवानी का? वैसे भी तो बनाओ तड़ा ना। बनावत नहीं की, कैसे बनावल जाला ई सिखावत नहीं। 10 दिन बाद प्रिया के शादी बा, ओकरा डोसा बनावल सिखावत नहीं। 10 दिन में शादी बा और अभी डोसा बनाए सिखाताड़ू? ऐसा लोग के वजह से ही करी पॉइंट चमकाता और सुई के वजह से स्विंग करताड़न। देखला हमनी के जैसन लोग के वजह से कितना लोग जी रहल बाड़े। अच्छा ते ई समझताड़ू, तू कितना भी सिखाला वासु, ई लोग खाली खाए जाने ले, बनावे ना। तू हमनी के कहता रहा, देख जा तो कैसन पत्नी मिली जेके कॉफी बनाए भी नहीं। कॉफी ही का है ना, एक आते गरम पानी, कपड़ा तो कान करे ना ही तो हर बीवी के। ये हमार श्राप ऐसन होई, श्राप देवे खातिर लाइफ में वाइफ नाम के चैप्टर होवे के चाहिए ना। बेवकूफ। ए भाई तू साइड में बैठवा। काहे? अरे तू सामने बैठवा तो वो लड़की दिखाई ना दी। लड़की? ठीक बा भाई, लागल रहा, चला भाई। थैंक यू भाई। Excuse me. ये कौन खातिर बा? अरे तू ठीक बा? ओके। Anyway, I'm Shri from Hyderabad. Oh, Hyderabad से? हम प्रवीण, ये श्रीनिवास। Hi. और ये प्रिया, तू भी हाय बोला ना? Hi, I'm Gujji. Hi, Gujji. Okay, I'll see you later. Bye. ए? बिल कितना भेल बा? काहे बताई? अरे बताई ना। काहे तू बिल भरबू का? अभी लड़की दोस्त बन गेल बिया ना, तो डिस्काउंट मिली ना। डिस्काउंट? 4 बर्गर 3 सैंडविच 2 पिज्जा एगो मिल्क शेक पार्सल करवा लेत बानी। इतना सब कुछ ऑन द वे में खाए खातिर यार। श्री का सोच लू हमार प्रपोजल के बारे में? यार ये वाला मंगा लिखा यार, एगो व्यक्तिगत फैसला है, पर शादी के फैसला परिवार ले। एक बार तू एक्सेप्ट कर ला, हम सबके कन्विंस कर ले। पहले तू ओके कन्विंस करा के। और कितना लोग के बोल भाई डायलॉग इडियट। ए प्रिया रुका 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 रुका, हमारी बात सुनो। ए रुका रुका, चल जाए। चल, मेरे जोकर लगेज हमरा सर पे। ए हां
एक आहे खातिर प्रॉब्लम के हैंडल करे के स्मार्टनेस खातिर बाय गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग शांति हम ऑफिस पहुंच गए नहीं अब अंदर जा सके नहीं ऑफिस के अंदर आ गए नहीं लंच टाइम में फोन करब ओके जरूरत नहीं की कहे कि हम करब आंसर कर लिया ठीक बा का बे फोन पर तो शांति रहे ना ये वीडियो कॉल इन्वेंट करे वालन के दरअसल मार देवे के चाही शांति भंग हो गई बा हमार ओ माय गॉड का जबरदस्त देखात बाड़ू ये ड्रेस में का लग रहल बाड़ू पहले कॉल तो कट करा तोर काम के वजह से ही तोर शांति तोरा पे शक करे ले शक करे दा यार ई कॉमन बा ई बीवी लोग ना लाइन लाइन के जैसन होकेली एक ही जगह रहेली बाकी ई लोग मोबाइल बाड़ी जब हमनी बाहर रहे नहीं तो मोबाइल ही हमनी के काम आवेला ना हे वासु हाय वासु सर तो आर डिजाइन गूगल सेलेक्ट कर लेलस ओ मुबारक हो के बेटा माँ जानकी पद्मा बासु के प्रमोशन मिलल बा हैदराबाद आ रहल बा बात करी हाँ बेटा तोहर पापा सच कर हलबाड़न का तू हैदराबाद आ रहल बाड़ा हाँ दादी एक बार आ जाई तो हर विकेट आपके लगे कब आ रहल बाड़ा बेटा प्रिया के शादी बना ओकरा बाद आई अच्छा चलो बात करके बात करके बात हमके भी बात करके बात करब तो ना चली स्पीकर ऑन कर हां ये सही रही बेटा बहुत खुशी हो रहल बा सुना था के प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहल बा अब तो ग्रैंड पार्टी देवे के होखी अब ते ही दे दे ठीक बा हमरा बहुत काम बा बाद में बात करब बाय बाय ये हैदराबाद आ रहल बा ना आते ही एकर शादी करवा दीहल जा ई का शादी के बात करत रहुआ हमरा तरफ कहे देखा था नहीं हमरा बेटा में का कमी बा हमरा में का कमी बा ऑलरेडी कोस्टा के बेटा लाइन में खड़ा बा ओह थैंक यू वेलकम ई वासु के प्रमोशन के खुशी में हां या ओकरे आवे की पहले मिट्टी के एग्जामिन करे खातिर लैब में भेजा भेज दे पर पहले तो ये बतावा कि तू अपना मन के बाद अब वासु से करबू की ना उहे दिन के इंतजार करता नहीं जब वो हमरा सामने आई तब ओकरा से कह दे Hey, इतना शोर का है मचा वतराला और ये हथौड़ा कौन खातिर ओ टूलेट बोर्ड लगे ले बानी टूलेट केकरा खातिर तू ते हैदराबाद जाता रहा हाँ प्रिया शादी करके अपन ससुराल चल जाए हमार कहो की बुज्जी तो बाड़ी ना बात ही बा कि बेंज और बुज्जी के ज्यादा हाँ। दिन मेंटेन ना कर सके नहीं हाँ। और तोरा तो एक बात मालूम ही नहीं खे उस सवेरे 5 बजे उठ जाली यार का टू आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा ए समय फोन पर के बा भूख लागल बाना ए इसे फोन करके मंगवा रहल बानी समझ नहीं के रहल बाड़ा ई ते हालत बा सवेरे 5 बजे फूड ऑर्डर करे ले अब समझ ला तू वैसे खाए में इतना पागलपन का है बाकरा के खाए खातिर दोबारा जन्म लेवे वाली बकासुर भी आओ नाना बकासुर ही भी आओ ओकरा अकेले बर्दाश्त के मुश्किल बा क्यों साथ में चाही आ गली का कब के बताना सकत रहला तू कहानी सुनावत रहला ना ई खातिर डिस्टर्ब ना कर पिज़्ज़ा आ गए ए हफ्ता थैंक्स आप ही पिज्जा डिलीवरी पार्ट टाइम जॉब ओह बाहर टूलेट बोर्ड लागल बा हाँ हाँ बात ही बा कि वासु हैदराबाद जा रहल बा प्रिया शादी के बाद ससुराल चल जाई तो रूम शेयरिंग खातिर ओ तका हम ज्वाइन कर सके नहीं लेकिन का है आपके घर में कोनो इशू बा का ओ दिन जो लड़का कॉफी शॉप में प्रपोज कर ले रहे वो हमरा ओनर के कजिन बा तो अब हम थोड़ा अनकंफर्टेबल समझ के नहीं जौन भाई ओकरा से बहुत हार्ड भइल और वो कजिन के कह के रूम खाली करे खातिर कह दिलस ई है ना ओके डन शिफ्ट हो जाए सीरियसली वैसे आप फैमिली डिटेल्स ना बताई नहीं आपके पिताजी हाँ बताता नहीं तारा कैसे पता हम किससे पता बा परमानेंट जॉब कॉफी डे में पार्ट टाइम जॉब पिज़्ज़ा हट में करा दाड़ी तो मतलब ई भेल की मिडिल क्लास फैमिली से हुई है हाँ
अब इनकर फादर कोनो प्राइवेट कंपनी में छोट मोट जॉब करत होखियन। सवेरे सिटी बस में चढ़ के मेहनत करके ऑफिस जात होखियन। अब मिडिल क्लास मम्मी रसोई के काम करत, घर के काम करत करत दिन गुजार देत होखियन। वैसे ई सब तोरा के कैसे पता? हम भी तो एमसीए बानी। एमसीए मिडिल क्लास हवारा। ओके अच्छा इला जूस पीबो। बोली ना ना ना। हाय श्री, कैसन बाड़ू बेटा? ठीक बानी माँ। रवा कैसे बानी? हमू ठीक बानी माँ। नया घर में शिफ्ट हो गई बानी। सब ठीक बाना बेटा? हाँ सब ठीक बा माँ। पापा कैसे बाड़न? हमेशा के तरह बिजी बाड़न। So this year, our company growth increased to 20% and share value up to 40%. Rahua, sab satisfied bani? Yes, sir. Baki hum nahi khe. Business badhata, share badh rahal ba, there is a lot of development. Still, I am not satisfied. Rahua ke pata ba ki India mein kitna bhi multi-millionaire kahe na hoke. Tata Birla, Inkara hi naam sab ke hu kahe jane la. Unkara products government tak jyada pahunch rahal ba. Bahut sahi. अबले आरके के खाली इंडस्ट्रियल सर्कल के लोग ही जानत रहा। बाकी अब जॉन प्रोजेक्ट हम करे वाला बानी, ओकरा से हर घर में हमार नाम होगी। अगर ये बात के हम सिंपली कहीं तो हर घर में हम मौजूद रहब। आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वाईफाई से संबंधित राउटर बिजनेस में एंटर होखे वाला बा। फ्यूचर में बिना वाइफ के घर हो सकेला, वाईफाई के बिना नहीं हो सकेला। नो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अगर इंटरनेट चाहिए तो राउटर भी चाहिए। मान रहा सेंट्रल मिनिस्टर के फोन लगावा, हमरा के उनसे बात करे के बा। प्रोजेक्ट के बहुत जल्दी शुरू कर जा। मीटिंग इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू। हमार बेटी के शादी बा। ओ वेरी गुड। कहाँ? गोवा में। बैठी गोवा में? हाँ डेस्टिनेशन वेडिंग। 5 दिन पहले ही हमार और हमार दामाद के फैमिली एक के साथ जा रहल बनी जा। तू अपन फैमिली के साथ आ जा। अरे मैड, शादी खातिर 5 दिन वेस्ट कर बा? भाई हमारे इकलौती बेटी के ब्याह बा, हबू जैसन चाही हम वैसने करब ना। व्हाट इज दिस मिस्टर राव? शादी लाइफ में बस एगो इवेंट है। रवा जोन अपन 5 दिन स्पेंड करब अपन बिजनेस पे करी। राउर बिजनेस के प्रोग्रेस होखी, सोसाइटी में राउर नाम बढ़ी, यू नो। देखा हमने दोनों काफी पुरान बिजनेस पार्टनर्स बनी, तू ओजा जरूर आई। आई एम सॉरी मिस्टर राव। रवा हमरा से पैसा मांगी, शेयर मांगी, जायदाद मांगी नहीं खे सोचब। बट हमर टाइम मत मांगी, बिकॉज टाइम इज वन थिंग विच नेवर कम्स बैक। यू कैन गो नाउ। ओके। या मिनिस्टर से बात करावा। वासु या डिनर तैयार बा। ओके आओ तानी। ठीक बता दी, कल सवेरे फोन करब। बाय। का हो गल गुड नाइट कह के? या फोन पे के रहे गर्लफ्रेंड? वासु अब तक क्यों के गर्लफ्रेंड नहीं के बनावले, ऊ जगह एकदम खाली बा। ए मुंह बंद कर, फैमिली कॉल। वासु के सुबह उठा थी घर कल करके गुड मॉर्निंग और रात के गुड नाइट कह के आदत बा। डेली कहनी हमनी उनकरा से दूर रह के भी उनके दिल के करीब रहेली। सवेरे गुड मॉर्निंग कह देनी तो सोचे लन की हमनी के दिन के शुरुआत खुशी से भइल, गुड नाइट कह देनी तो सोचे लन के दिन खुशी से गुजार देनी। ऐरा गैरा लोग के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे गुड नाइट गुड मॉर्निंग कहे ली ना, इता आपन लोग बाड़े कहे के तो बनेला। अच्छा लागेला। हाय मां, गुड नाइट। गुड नाइट का भइल? आज सूरज कोनो और दिशा में निकलल बा का? कई लोगन के व्हाट्सएप फेसबुक पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहे नहीं ना, तो रउआ की कहे में का गलत है? पापा के फोन दिया देता नहीं तो एकरा के जब भी ये कबा डिवोर्स डॉक्यूमेंटेड लॉयर हैज सेंड इट। कहले कि सिद्धू के एक्सपेक्टेशन के बिना डिवोर्स इज नॉट पॉसिबल। उन्हें के मान रहल बा। का चाहिए ओकरा? आई डोंट नो। ओकरा समझावला पे भी समझ में नहीं खा रहल बा कि तू ओकरा साथ नहीं के रह सकेलू। श्री हां रउआ से बात करे चाहती है। हां हेलो। हाय पापा, गुड नाइट। हाँ बेटा गुड नाइट। बाय। सुनो तू दोबारा अपने लॉयर के फोन करा, पूछा ओकरा से होखी कि ना, ना ता हम सीनियर लॉयर के अपॉइंट करें। ओके। देखा था नहीं डिवोर्स कैसे ना होखी। ओके। इडियट कहीं के। सिद्धू अगर काव्या के साथ रह चाहता तो गलत काबा, एक बार ओकरा तरफ से भी सोच के देखी ना। मम्मी शादी के 1 साल बाद ही पता चल गया कि साथ में ना रह सके। प्लीज
काव्या कबो कबो एक दूसरा के समझे में एक साल से ज्यादा समय लग सकेला। एक बार सोच के देखा। जे पसंद नहीं खे ओकरा साथ निभावल ना जा सकेला, चाहे वो शादी होके या फिर बिजनेस। हमार टाइम वेस्ट मत करा प्लीज। प्लीज कैरी ऑन। कॉफी बहुत बढ़िया रहे, थैंक्स। यू वेलकम। तू रोज योगा करेलू? हाँ। करे के भी चाहिए यार, वैसे भी मिडिल क्लास के बाड़ी, अगर कोनो हेल्थ इश्यू हो गए तो हॉस्पिटल वाले सारा जायदाद लूट लिहन। अरे प्रिया, वो फोन छोड़ा, ऑफिस ना चले के पका। सबके व्हाट्सएप पे शादी की इनविटेशन भेजा था नी। आज हम ना आई। ओके। का भाई बेटी, फोन तो ऐसे पढ़ल बाड़ू जैसे किताब हो के। वासु के फ्रेंड प्रिया के शादी बा पापा, व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेज ले भी आऊ। इनविटेशन व्हाट्सएप पे? हाँ। एको काम करा बेटी, ऐसे एको फोटो ला। काहे पापा? अरे पहले ला ता, फिर बताओ तनी। अच्छा इलबा, एकरा शादी के दिन लड़की के भेज दिया, चाहा ता ग्राफिक्स भी कर सके लो एकरा पे। का पापा, रवा भी ना। वो कहा ना बेटा, इनविटेशन अगर व्हाट्सएप पे भेज ले भी तो आशीर्वाद भी तो व्हाट्सएप पे भेज सके नी ना। उनका खाना के खर्चा बची और हमने के जाए के खर्चा बची। अरे ये व्हाट्सएप के ऐसी के तैसी। तोरा पापा के आजकल इसे बहुत सूझ रहल बा। जरा वासु के तो फोन लगावा। हाँ दादी बोली। प्रिया के शादी में सोना खरीद के कुछ बना के दे दा। अरे दादी, दोस्तन के बीच फॉर्मेलिटीज ना हो खेला। फॉर्मेलिटीज ना बेटा, परंपरा, हमनी के चीज ना याद दे रहल बानी। कल जब वो अपन शादी याद करी, हमनी के याद करी, तो ओकरा के हमनी के दिल चीज भी याद आई। सही कहा तारू दादी, लेकिन दिन बदल गए बा। दिन बदल सकेला लेकिन समझ के नहीं, समझ के नहीं। दिन बदल जाए लेकिन परंपरा ना बदले के चाहिए, यह ना। ओके माय डार्लिंग, ले ले। ओके ए सुन सुन सुन, तोरा ना पता चली, अगर तोरा दोस्तन में कोनो लेकी भी तो ओकरा के लेके जा। हमरा की कॉफी शॉप तक ड्रॉप कर दे पर प्लीज। ओके। थैंक्स। इट्स ओके। श्री, हमरा के शाम के तहार 2 घंटा उधार चाहिए। का वक्त उधार चाहिए? या सब पैसा उधार मांगेला तो वक्त उधार मांग रहल बाड़ा। तहार वक्त तहार बा, हमरा के देबू ता उधार पे ही होई ना। नाइस कॉन्सेप्ट। तो कौन सा वक्त उधार चाहिए? 5 बजे। डन। हाय एवरीवन, सो प्रिया एंड आई आर थ्रोइंग बैचलर्स पार्टी टुडे। पार्टी सॉलिड होके के चाहिए। एक रात रहा। ए अब प्रियंका, एक मिनट, तू बैचलर बाड़ू, हम हूँ बैचलर बानी, शाम के फंक्शन में कपल डांस कर जाओ का? हमने दोनों की ही शादी हो चुकल बा, बताओ बैचलर कैसे भाई ने? तुहार पति यूएस में बाड़न तो तू बैचलर, हमार पत्नी बेंगलुरु में बाड़ी तो हम बैचलर, अब दोनों मिलके डांस कर जाए ता, ता, आ, 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 शांति तुहार अशांति होगी। तर वाइफ की बता दी डांस के बारे में। भैया वो दिखाई। ये दिखाई? इनकरा देख के तो लागत आ कि सबके सब अच्छा बा। देखने पे यह लगेला। पहिने पे समझ में आवेला। सही बा, एक बार और देखो। हाँ? और घूमा ना बताओ तानी। बहुत अच्छा बा। अच्छा बा। हम्म।
हेलो रिया, तारा कुछ फोटो भेजले बानी, कौन पसंद बा बतावा। हे, इस सब के का जरूरत बा? देखा दादी माँ के ऑर्डर बा, ये बतावा पसंद कौन बा। ओके ओके, गिफ्ट सरप्राइज के तौर पर दिल चला ना। हमनी के पसंद के दिल जाए तो सरप्राइज, उनके पसंद के दिल जाए तो सेटिस्फेक्शन। सरप्राइज से सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छा बा। चल श्री, जब हम केहू से उधार ले वेली तो ज्यादा देर रखे ली ना, तब आज 8 बजे हम तहार 2 घंटा लौटावे चाहता नहीं। 8 बजे कुछ स्पेशल बाका? शेखर तू चेक कैला कि ना कि ऑर्डर आ गेल बा कि ना? या बासु और बाकी लोग ना आइले अबले, एक बार कॉल करके देखा ना। शांति, यहाँ पार्टी चल रहल बा, देखा अभी तक स्टार्ट नहीं किया भाई, कुछ देर में स्टार्ट हो जाए। फ्री में मिला था तो ज्यादा मत पी ली है। अरे बस डूब पाएगी। हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, बाद में कॉल करें। जरूरत नहीं खे, जब हम कॉल करब आंसर कर दिया। अच्छा ठीक बा। चीयर्स। देखा, शादी करे से पहले हर बैचलर के आखिरी पल में भर पेट पिए के चाहिए। यार तरह के शादी से इतना चिड़का है। हम समझौता नहीं। इस शादी से पहले लड़का देखला कितना फायर बा, ये को लेकी बाड़ी शादी के नाम पर लेका से मिले ली। ओहो आहा, चुस फायर कहाँ बा, खत्म। तेकरा से हमने के का समझ में आयल, शादी के बाद आदमी लोग के जिंदगी बेकार हो जाला। ऐसन बिल्कुल भी नहीं खे। के बोल लस, शादी के बाद ना हमनी के ही नुकसान हो खेला। कैसे एका आइसक्रीम ना, ही शादी से पहले लेकी हाँ ये लेका शादी के नाम पे हमनी के एकरे लाइफ में जाएनी। एम आइस क्यूब कहाँ बा? ना बा। सो शादी से पहले हमनी के एक नाम हो खिला, एगो आइडेंटिटी हो खिला, मर्द के जिंदगी में गईला के बाद उहे हो खिला। हमनी के बानी तो सही, लेकिन हमनी के कौनो आइडेंटिटी नहीं के हो खिला। ये का शादी के बारे में तोहरा भी कौनो ख्याल बा? ए ना बाबा बैठा। लड़का ही बाना। ओके चला पीला। ए हम नीट ना पी, अब लीवर खराब हो जाए। इलेगी भी आना। हाँ चला पीला, सिर्फ सोडा से केक ना मिलेगा यार। ओके हाँ पिया, कैसन बा? सुपर। लाइफ भी ऐसे नहीं होकेला, लड़का और लड़की एक साथ है यार, तबे केक मिलेला। माँ बाप हमनी के जन्म देवेले, दोस्त हमनी के खुशी देवेले, लेकिन जीवन साथी जीवन देवेला, ऐसा जीवन देवे वाला पार्टनर के बारे में अच्छा ना कहा कोनो बात नहीं है, लेकिन बुरा भी तो मत कहा। ओके फिलहाल तू लोग जितना खुश बड़ा, शादी के बाद भी अगर उतने खुश रहा तो समझ ला लाइफ सेट हो गई। जिंदगी के खूबसूरत जर्नी स्टार्ट करे खातिर प्रिया और शेखर खातिर चीयर्स। 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 ये। ओके चलो ऑफिस में मिला जाए। वासु तोरा से कुछ बात करे के बा? आम के माफ करता, बिना वजह बताइले सॉरी काहे बोला तारू? जैसन हम बतावले रहनी, हम मिडिल क्लास फैमिली से ना है। हैदराबाद में आर के ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आर के हमार पापा पड़न। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके हम हैदराबाद आए बानी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई बा, हमनी के बिजनेस भी बढ़ रहा बा। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस, अब तोहरा के भी बिजनेस संभाले के पड़ी। ठीक बा डैड। तो ई 6 महीना में तू जहाँ जाइल चाहेलू जा सकेलू, पर ई 6 महीना में केहू न जाने कि तू आरके की बेटी हो, तोहरा के तोहरा लेखन जिए के पड़ी। पता बा का है, लाइफ में सक्सेस पावे खातिर दुनिया के बारे में जाने के पड़ेला, लोगन के परफेक्टली कैलकुलेट करे के पड़ेला, कैलकुलेशन गलत होखे तो डिस्टर्बेंस शुरू होखेला। ठीक बताया, उम्मीद बा समझ गयलू तू। बाय द वे जुबान देवे मतलब बिजनेस शुरू का देवल, जुबान पे खड़ा रहे मतलब बिजनेस में सक्सेस भइल, ई बात के भूलिया मत। यही से केहू के बतइनी ना हम। जब झूठ के पीछे के वजह अच्छा होके
तो झूठ बोलल गलत ना हो खेला। तू अपन पापा के बात के मान रख लू। उ शानो शौकत के लाइफ छोड़ के एगो नॉर्मल जिंदगी जिया तारू। ई हमरा के अच्छा लागल। बेटी सर के फोन। एक मिनट। हाय श्री। हाय डैड। निकल गए लू? ना डैड, नेखे अरल बानी। हम चार पांच दिन के बाद आ जाए। काहे? जाए को लड़की से फ्रेंडशिप भइल बा, ओकर शादी अटेंड करके आ जाए। कुछ दिन के दोस्ती खातिर पांच दिन बर्बाद करबू? एक्चुअली डैड। ठीक बा, ई आखिरी बेर बा। I never ever want you to waste time ऐसन बेवकूफी खातिर। ओके थैंक्स डैड। वासु पापा शादी में जाए के परमिशन दे देली बाड़न। ओ तब कब चारल बानी हमनी वहां? कल सवेरे। तो इतना अमीर बाड़ो, हम कुछ भी कह देनी ना। कौनो बात ना वासु, चलल जाए। का ढूंढ रहा था? फोन। ओ फोन, रुका हम कॉल करता नहीं। ओह ओही छपा। अब चलें जाएं। चलो चलो। हाय हाय हाय। और भाई लोग कैसन बड़ा यार? रिया कहाँ बड़ी? वैसे अभी साबुदाना के पकौड़ा बनावल जरूरी बा का? चार दिन में वासु आ रहल बा ना, ओकरा के ही बहुत पसंद बा। नाम ले लो, शैतान के फोन आ गए। हाँ बोला वासु। तनी दादी के दा? दादी तू इवेंट वाला शादी दिखे चाहता रू ना, अब दिखावता नहीं। इबा मेहंदी काउंटर। इबा टैटू काउंटर। टैटू मतलब निशान लगावल। हाँ हाँ हाँ। इ कॉकटेल काउंटर। कॉकटेल मतलब? अरे ओहे। अच्छा ओ यहाँ संगीत होके वाला बा। ए शादी देखा इब कहीं के का दिखा रहल बाड़ तू? इवेंट वाला शादी ऐसे ही होखेला दादी। हमनी के गांव में मेला नी मन लागत था। तू तो कचरा कर दे लू। ठीक बा, बाद में फोन कर। बाय बेटा। वासु के शादी भी हमने ऐसा ही कर जाए, डेस्टिनेशन वेडिंग। जरूरत नहीं खिप, हमार पुता के शादी कैसे करेगा बा हमरा के पता बा। रवा शादी जैसे भी करे, मंडप में तो हमरा कहीं बैठे के बा। कारे लड़की के देख के दिल हिल गए का? हाँ यह तो लाइकन के प्रॉब्लम बा। हमनी उनके देखी? हाँ। या वो हमनी के देखे? हालत हमनी के खराब हो खेला। सही कर। चल जा। हे रिया। तू ना खुला बाल के साथ ज्यादा अच्छा लागे लू ऐसे। थैंक यू। का करत रहला? कमल लड़की कैसे अच्छा दिखे ले सजेशन देत रहला। कुछ हासिल करे के होखे तक कबो कबो तारीफ भी करे के पड़ेला। समझ नहीं के आयल। ये कहा? खूबसूरती के नजर ना लगे। हमरा के नजर लगी तो तोरा के का? पार्टनर के नजर लगे तो हमरा के बुरा लगी। पार्टनर मतलब डांस पार्टनर? लाइफ पार्टनर।
माई हार्ट लिख के हमार नाम सेव कर लू ना तो हम तरह के एजा सेव कर देनी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम शांति श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहा अल्बानी रउआ लोग? अरे तुम्हें माता च पिता तुम्हें लेट हो रहा अल्बा, चल जाओ। अरे कुछ देर बाद शादी हो जाए, ओकरे बाद चल जाओ ना, खाना ना खाए। अरे राव जी से मिले नहीं ना, चलो चल जाओ, चलो चला। मुहूर्त कब के बाद क्या आई ली हमने खातिर मुहूर्त बा सर? रहुआ इतना दूर से आयल बानी, ये हमने खातिर मुहूर्त बा। सर अर्जेंट कॉल आयल बा, मंत्री जी के दिल्ली जाके पड़ी। वो 10 मिनट में चल जाइए रहुआ, प्लीज बैठी। जी जी हाँ। श्री गणेश नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। मिनिस्टर साहब के अर्जेंट मीटिंग आ गई बा, रहुआ कार्यक्रम भी जल्दी खत्म करी। मुहूर्त में अभी बखत बाजी, मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं थे, उन्हीं की वजह से हमारी स्टेटस बा। मुहूर्त के रहुआ जल्दी खत्म कर देना। देखी मुहूर्त से पहले कोनो भी शुभ कार्य नहीं थे। मुहूर्त के क्या उता हमने ही लिख ले बानी ना, चला मंद पड़ा। लड़की कहाँ भैया? पंडित जी से हम कह दे बानी रहुआ 10 मिनट में जा सके नहीं। अच्छा अंकल आप जो नहीं करता नहीं इस सही बा का मिनिस्टर जी खातिर आप मुहूर्त बदल देब। मिनिस्टर साहब हमरा बेटी के शादी में कितना दूर से आयल बाड़ा, इनकरा काम के भी ध्यान रखे के बाना बेटा। तो मुहूर्त के का जरूरत बा, ऐसे ही करवा दी। मर्जी से बदले खातिर शादी कोनो इवेंट नहीं थी अंकल, ये वो खूबसूरत मोमेंट होगी। वैसे भी हमरा के शादी नहीं खे लागत अंकल, केहू कहत बा खाना खा के जाए, केहू कहत बा आपसे मिल लेनी तब निकल चली। तो चलिए शादी में आवे वाला लोग ऐसा नहीं हो किए, लेकिन आप भी वैसे ही निकल दी। वैसे 5 साल कुर्सी पे बैठे वाला मिनिस्टर भी मुहूर्त देख के ही शपथ लेवे लन। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहे वाला दो लोगन के मुहूर्त की जरूरत नहीं खेगा। सर शादी खातिर इतना दूर आयल बानी, आशीर्वाद देवे खातिर 10 मिनट ना रुक सकेली का? राव सर पहले से जो मुहूर्त तय बा ओकरे हिसाब से शादी करा। ओके सर जा। थैंक यू सर। सोच रहा बाड़ू हमार शादी के बारे में? शादी के बारे में इतना सोचे के का जरूरत बा? तू शादी और परंपरा के इतना अहमियत दिला, हमने के घर में शादी इज जस्ट एन इवेंट। तू जानेला ना कि दीदी के भी डिवोर्स होके वाला बा, तोहरा और तोहर फैमिली के बारे में बताइला पे शायद पापा कन्विंस हो जाए। का बासु के फैमिली सच में इतना अच्छा बा? हाँ मामी अभी उनका जॉइंट फैमिली बा, पता बा उ लोग के बीच में कितना प्यार बा। जहाँ लगाव ज्यादा हो खेला ना वो रिलेशन बहुत अच्छा हो खेला। बैठा तू यही जा पापा के साथ। तू पापा से बात करे वाली रह लू ना तो हम तहार पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी, प्यार हो जाए तो अपन पार्टनर के बतावे में ही बहुत समय लग जाला। ऐसे में तहार पापा के बताएल यही से सोचनी के तहार पापा से मिल ली। हाय सर आपसे कुछ बात करे के बा, बहुत देर से वेट करता नहीं सर। वेट कर रहा बड़ा ये तुहार जरूरत है, अपॉइंटमेंट के बिना हम बात ना करे नहीं। श्री के बारे में बात करे के है सर? बतावा। श्री और हम एक दूसरे से प्यार करे ली, दरअसल श्री आपसे बात करे वाली रह ली, लेकिन हमरा लगा था
श्री के बजाय ई बात हमरा के आगे बढ़ के आपसे करे के चाहिए। यही से बात करे खुद चले नहीं। पापा का कहले हम दुनिया के समझे के कहले तो प्यार के समझ के आयल भैया। वासु के फैमिली सच में बहुत अच्छा बाजी। तो तारा के सब पता बा। डैड जब फोन करके तू गुड नाइट कहलू तबे हमरा के पता चल गई केहू तोहरा के इन्फ्लुएंस कर रहा बा। 6 महीना ले तू हमरा से मिलू ना और यजा 3 दिन रुक गयलू मतलब तारा जिंदगी में केहू हमरा से भी इम्पोर्टेंट पर्सन आ गई बा। ऐसा नहीं के डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तू प्यार काहे कहलू ई ना पूछ। 100 रीजंस होखी तारा पास। बाकी श्री तू शादी काहे कल चाहताड़ू सिर्फ एक रीजन बता दा। वासु ओकर जिंदगी में जे भी बा उनकरा के खुश रखल चाहेला डाड़ी और हमके तो वो अपन जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करेला तो सोची हमरा के कितना खुश रखी। जब रउआ साथे रहेनी जितना खुश और सिक्योर फील करेली ओकरा साथे भी ऐसने फील करेनी डाड़ी। ओके। अपने पेरेंट्स के जावे के कहा उनाई है अंकल। का कहला तू? वो आपके घरे नाइन काहे? विधि के अनुसार आपके लड़की वाला बन के हमरा घरे आके उनकरा से बात करे के पड़ी। यह विधि और परंपरा। कहां के रहे वाला बड़ा? सोनपुर जिला। हाय वासु। हे पद्मा, अभी तक शीनू के बाइक ने लौटा? वो अपने पैसा कहां लौटा लेबा? आवा आवा बेटा, आवा बेटा। हाय पापा। ठीक बाड़ा ना? हम ठीक बानी ना? हाँ हम ठीक बानी। अरे नजर उतारे तो ओकरा बाद ही घर के अंदर आइया। अरे लाओ जल्दी कर। एक कर नजर, ओ कर नजर। चंडीगढ़ के नजर, हैदराबाद के नजर, परसों गांव में कोनो शादी में गए ले मसूरी। हाँ मसूरी के नजर। सारा नजर उतर गई। देख के बहुत दिन हो गई यही से ऐसा लग रहा बा। हम सावला नहीं खे भइल, दुबला नहीं खे भइल, तू भी यही खे वाला रहला ना। चला वासु वासु हमरा आवे तो कुछ न खाया। हाँ क्या क्या हम कुछ लेके आवा तानी। ओके तोरा वासु के पसंद भाई से मक्खन बनावे कलू ना। आज अपन दिल के बात तू वासु के बता दी। आज के तो इंतजार रहे हमरा के। हम आप सबसे एगो जरूरी बात करे चाहता नहीं के बियाओ लेकी। कौन लेकी जी? जदी उम्र के लड़का सारा फैमिली के इकट्ठा करके ई कह रहल बा कि रउआ से कोई इम्पोर्टेंट बात करे के बा तब तो जरूर लव मैटर ही होखी। करे सच में? अरे माँ बताओ तनी ना। बैठा आवा, आवा, बैठा बैठा। पापा सही कहा तारे उ लड़की के नाम श्री है। ओकर पापा के नाम आर के है। हैदराबाद में बड़ा बिजनेसमैन है। ई सारा बात रउआ के कैसे पता? हमार पोता हमरा के कब से बता देगा? अरे पर हमने का कहना बताओ ले। वो खुद तो सबके बतावा चाहत रहे ना। माँ हमरा श्री पसंद बानी और उकरा के भी हम बहुत पसंद बानी। हमने दोनों प्यार करेले लेकिन शादी आपके इजाजत से ही करब। यही से हम उकर पापा से बात कर लेले बानी और वो मान भी गयलन। तू प्यार कैले बाड़ा तो लड़की खुशकिस्मत होखी। तोरा के दामाद बनावे वाला इंसान बहुते हिम्मत वाला बा। बुलाला बात करा था नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहले रानी ना घर में क्यों भी तोरा बात के इनकार ना करे। ए पद्दू वासु श्री नाम के लड़की से प्यार करेला। हाँ सुननी है हम। तू एको सुनरा मौका गवा देलू। कितना समझावले रानी ना अब देखा अभी भी उही टॉपिक पे बात करता नहीं। तोरा हाथ में कहा।
वासु के मक्खन पसंद बना उहे ले आइल बानी। एकर सारा पसंद ना पसंद बतावा तोरा सही वक्त पे लेके आइलू। अच्छा एकर मुंह मीठा कर दा। कांग्रेट्स बासु। थैंक यू पद्मा। हाय हमार पिताजी नमस्ते श्री और इनकर मम्मी नमस्ते 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 आई ना आई चलें पैर धो ली। बाहर से घर के अंदर जात समय पैर धोवल हमनी के परंपरा ता धोली धुलावा ये हमनी के पुरखन के घर है उनकर याद के संजो के रखे के खातिर हमनी एजे रहनी आई हमार माँ नमस्ते, नमस्ते हमार बीवी नमस्ते, हमार बहिन भांजी और हाँ हम समझ गए नहीं जॉइंट फैमिली है बड़ा परिवार बा नमस्कार जी आई बैठी हाँ, आई बैठी आई अब आई नीड टू चेक द हाउस मॉम का भेल कोनो बात हो गेल का काव्या एक बार घर देखल चाहती है पद्मा जरा इनके हाँ? घर दिखा दे ठीक बा दिखा बतानी आई ना हमार कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट बा सो औपचारिकता हो जाए तो हम निकल जाए का एक्सपेक्ट करता नहीं एक्सपेक्ट करता नहीं मतलब एक्सपेक्टेशंस के मतलब पहले दहेज कहल जात रहे अब फॉर्मेलिटीज कहल जाला बताई का चाहिए हम श्री से पैसा खातिर प्यार ना कहले बानी हैजा भी रोवा बिजनेसमैन के तरह ही बात कर रहल बानी हमने के कुछ एक्सपेक्ट करके इस शादी खातिर तैयार नहीं भइल हमार बेटा चाहेला यही से तैयार भइल बानी हमो हमर बेटी चाहत रहे यही खातिर हम मान गई नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट हर बात पहले ही से ही क्लैरिटी से कहल हमार आदत बा हां हां यो एक तरह से सही बा राहुल के दुगो बेटी बाड़िन ज्यादा दिन करा कहीं मिले वाला बा अब होमे में से आधा तो यही के मिली ना तोरा से तनी बात करे के बा हैजा हमने के घर में जौन भी बात होला सबके सामने होखेला पर हमरा ऐसे पर्सनली बात करे के बा आई अंकल अगर तोरा के शादी करे के बा तो एकरा पे साइन करे के पड़ी का भाई प्री मैरिटल एग्रीमेंट विदेश में बहुत साल से हमनी के देश में हमरा जैसन लोग कभी कभी इस्तेमाल करेलन मतलब अगर शादी के बाद हमर बेटी तोहरा संगे एडजस्ट ना कर पाईले और अगर वो डिवोर्स चाहेली तो तोहरा के वही वक्त ओकरा के डिवोर्स देवे के पड़ी अगर आपके हमनी के प्यार पे यकीन नहीं है तो शादी खातिर हाँ कहे कहीं नहीं यकीन अलग बा सच्चाई अलग बा बाहर तो हर बाबूजी सही कहलन हम हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचेनी कौनो भी बिजनेस होखे एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेवेनी यह बात हमरा बेटी के जिंदगी में था कि हमने के शादी सफल ना होगी
बेबी, तो हमार बेटी के खुश रखा तब वो प्रॉब्लम्स दूसरा तरफ से आ सकेला ना। तो हमरा के सतर्क रहे के पड़ी। मतलब हमनी के प्यार से ज्यादा आपके पेपर पे भरोसा बा। दुनिया में इंसान के छोड़ के कागज पे भरोसा कैल शुरू भेले कई साल हो चुकल बा। अगर हमर बेटी और तू अपना अपना जिंदगी में खुश रहा तो ये पेपर्स के कोनो वैल्यू नहीं खे। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तोहरा के अपन प्यार पे इतने भरोसा बा तो तोहरा साइन करे में प्रॉब्लम का बा। ओके रुक काहे गईला, हिम्मत नहीं खे हो रहा। हिम्मत तो बहुत बा अंकल। तो साइन कर दा। जरूर, आपके पेपर पे भरोसा बा और हमरा जुबान पे। अगर आप एक वादा करी तो हम साइन कर देब। कैसन? शादी में दुल्हन के पिता के तौर पे जहां भी जरूरत होके आप हाजिर हो खब। जौन काम आपके बाऊ हर एक काम आप ही करब। अगर आप हमरा से वादा करब तो हम साइन कर देब। हमार बेटी के शादी होखी और हम न रहब। ओके, तू जहां जहां कहबा हम हर जगह मौजूद रहब। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? ना अंकल, आपके जुबान ही काफी बा। इली, बाय द वे, ये बात हमनी के बीच में रही। ओके अंकल, चले। घर है, शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले में जाके बात करेलन। तू अपन ससुर से इतना देर तक का बात करत रहला? कुछ ना अंकल, इनके शादी के बारे में तनी डाउट रहे, वो हम क्लियर कर देनी। तब रुवा मंजूर बा। हाँ ठीक बा। हमरा के एको बात करे के रही। रुवा लड़की वाला बानी रुवा जहाँ जाब वही जे शादी होगी, लेकिन हम अपन पोता की शादी हमरा आके सामने यही घर में होके ये हमारी इच्छा बा। ओके ओके। ये हैप्पी मोमेंट के एगो फोटो हो जाए अच्छा रही ना। हाँ ओमे काबा, चल लिया ले, आजा बेटा। आई आई। पहला निवाला हमेशा पहले मिलेगा। दादी हिला मत ना, ऐसे बैठला। दादी माँ अब हमरा के खिलाई। अब हमरा के खिलाई। जरा सुना था का सोचला फिर? कौने बारे में माँ? का कौने बारे में? अपने वासु की शादी के बारे में। और का करे के बा, कैसे करे के बा सोचे के तपड़ी? आजकल शादी के बारे में का सोचे के बा, सब कुछ अपने आपे हो जाएला। अपने आप कैसे हो सकेला? हम नहीं खे मानेंगे। शादी शादी की तरह ही होके के चाहिए, फंक्शन की तरह ना। पत्ता के मंडप, ढोल नगाड़ा, शाही खाना, सब कुछ परंपरा के अनुसार होके के चाहिए। आजकल ये सब कहां बा, दिन बदल चुकल बा। दिन बदल सकेला लेकिन परंपरा ना बदलेला। जब हमनी के पैदा होके नहीं सब खुश होकेला, लेकिन वो हमनी के पता ना होखेला। जब हमनी के मरे नहीं तो सब दुखी होवेला, वो पता ना चलेला। जौन हमनी के पता होकेला वो हमनी के खुशी के बाटेला और शादी ऐसे नहीं मौका होखेला। तो ये कितना अच्छा होवे के चाहिए, ये बात के तो माने ना तू लोग। ठीक बा माँ, ये शादी रहुआ जौन तरीका से चाह वही तरीका से हुई। बड़ा अच्छा बात है इला। Can I say something? Yeah. Vasu is not correct for you. वो family, वो village के atmosphere तोरा खातिर सही नहीं खे। उनका lifestyle अलग और हमार भी। हमने की आदत अलग और उनका आदत अलग। तो ऐसा बिल्कुल adjust न कर पाई बो। अगर ऐसा adjust हो गए नहीं, तो ऐसा भी हो जाए। श्री बहुत खुश भिया। और हमरा के भी बासु के फैमिली बहुत अच्छा लागल। मतलब आज भी वो सब लोग मिलके एक साथ रहेलन, एक दूसरा के इज्जत करेलन।
ऐसन परिवार में हमार श्री के शादी भइल बहुत खुशी के बात है। हमनी के श्री ओइजा बहुत खुश रही। हेलो समधी जी, रुवा कैसन बानी? ए, केकर समधी। अरे समधी जी, हम रामराज बोलता नी, शखनीति पल्ली से। ओ, कहीं? हमनी आपन पंडित जी से बात कहले बानी। उ कहत बाड़न के सगाई खातिर अगला शुक्रवार के मुहूर्त बहुते शुभ रही। घर वाला भी उहे दिन करे के कहता रे। आप बिना बात कहले ऐसा ही सगाई रख लेही का? हमरा टाइम के कोनो वैल्यू नहीं खे। हमरा से पूछ ले रानी का। हद हो गई? प्लीज शांत हो जाए। शेड्यूल देख के रहुआ के बतावा था नहीं। अब आपन मर्जी चलावा ताड़े। का कहलनू? शेड्यूल देख के बताई है। अरे हमने के ट्रेन के टाइम थोड़ी पूछनी, शादी का मुहूर्त पूछनी है। हाँ समधी जी, वो दिन हमार 4 से 5 के टाइम फ्री बा, तबे रख ले। हाँ हाँ, पंडित जी कहत रहले के पूरा दिन शुभ बा, रउआ जब कहब तबे रख ले। रखत अनी जी। माँ, शुक्रवार खातिर मान गेलन। नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते। और समधी जी ऑफिस से निकल गेल बड़न, आते होखिए। अरे बेटी के सगाई में स्वागत खातिर खड़ा होवे के चाहिए तो अभी तक ऑफिस में बड़े लागत बस शादी में फेरा के समय पहुंची हैं। रहुआ लोग आई ना? अरे ऐजे काहे रुक गई नहीं, आई ना? पहला बेर ही घर में शुभ काम खातिर आ रहल बानी, तब पैर धो के आउती तब सुना पानी लेके आवा। का देख रहल बाड़ा? ऐजा हमनी की तरह लोटा में पानी नहीं के दिहल जाला, पाइप से दिहल जाला। ऐजा की ये कल्चर हुई? अरे पैर धोला लाई। हमार रोखे वाली बहू कही जबिया? दस मिनट में आवत। ओके सर। समधी जी बैठे बैठे प्लीज। हैव अ सीट। कहीं पंडित जी का करे के बा हम रखे और तनी जल्दी करे। शास्त्र के हिसाब से जवन कई जला ओ में समय ना देखल जाला, और ई तसा गाई बा आधा शादी के समान हो खेला। रउआ धोती पहन के आ जाई त कार्यक्रम के शुरुआत कई जाओ। काहे अगर बिना धोती पहने सगुन दे दे तो अशुभ हो जाई? शास्त्र के अनुसार चलल जाए तो अच्छा होई। समधी जी आपन सुविधा के खातिर परंपरा तो ना बदल सकेनी ना? हम एक मिनट में आवत आनी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपस में शगुन बदली। अतो गर्भान्वितो युग्मे सप्त संवत्सरात् परम आज शाप दाम तो कन्याया विवाह। दोनों हाथ से लिए। पंडित जी अब आप अच्छा सा मुहूर्त देखिए। दश वर्षा भवेत कन्या अतुर ध्व रजस्वला। यजमान अगला अगस्त महीना के 9 तारीख के बहुत ही शुभ मुहूर्त बा। खाली 15 दिन? वेल हमरा खातिर ठीक बा, शादी से एक दिन पहले चल जाए। चली बिल्कुल ना, शादी के एक दिन पहले कैसे चली? शादी के कितना काम होखेला? कितना काम होखेला? आज के सगाई से लेके विघ्नहर्ता के दान, पत्रिका के लेन देन, दूल्हा बनावल, धोती बनावल, हल्दी, कलश यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, वादनी, कन्या वर्ण होखेला, मधुपरक होखेला और दूसर भी चीज, तरह तरह के रस्म होखेला। यही से
हाय श्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना थैंक्स क्यों ना खातिर? खाली इतना ही ना, और भी बहुत कुछ कहे के बा। हमरा सच के छुपावे के बावजूद हमरा के समझे के हमरा के चाहे खातिर थैंक्स। पापा से हमनी के बारे में बात करे खातिर थैंक्स। तोरा घर वालन के कन्विंस करे खातिर थैंक्स। और अरे बस 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 इतना काफी बा। काफी नहीं के, तू यही चाह ना बाड़ा, लेकिन तोरा से जोर से हक करे के मन कर रहा बा। अरे यार इतना अच्छा चांस गवा देनी, ठीक बा अगला बार आई तब दे दे। हाँ हाँ दे दे, लेकिन एक बात हमरा के बहुत डिसअपॉइंटिंग लगल। वो का? हम दोनों इसे प्यार करके अब शादी कर रहल बानी, बाकी हम फर्स्ट लव में आवे वाली वो फीलिंग मिस कर देनी वासु। ऐसा काहे सोचा तारुश्री, आज से लेके हमनी के शादी के दिन तक हमनी के प्यार के हर एक दिन हर एक पल ऐसे ही महसूस करत रहा। फिर देखिया शादी के मंडप ऐजा लगावल जा। अच्छा, अच्छा अच्छा, फूल गेट तक लागी और लाइटिंग पूरा गांव में लगी, ठीक बा? हो जाए। सारा गांव ये जा गई लैका के शादी बाना। हाँ अरे शादी में कितना काम हो खेला, हमने सब मिलके राउर हाथ बटाइम ना। अरे रउआ लोग काहे मेहनत करब, का जी गांव में शादी बा और हमने मदद ना करब ऐसे कैसे हो सकेला। ऐसे में हमने के राउर घर के शादी में शामिल काहे ना हो कब? नारियल नारियल के पत्ता हम अपना खेत से मंगवा दे और घर पा मंडप फूल हमनी के सजवा दे। जबकि वो पूछत रहे कि रामराज आखिर तोरा लगे बाग का, तो हम कहत रहनी कि हमरा पीछे हमार गांव बा, आज हमार गांव हमरा पीछे ना हमरा आगे बा। अगर रउआ अच्छा बानी तो जरूरी निके कि रउआ पैसा कमाई, बाकी रउआ अपना आस पास चार लोग के जरूर कमा ले। जी ठीक बा, पंडित जी के बोला के जैसन रउआ कहनी वैसन ही पूजा करा दे। लईको ऑफिस के काम में बिजी हो सकेला, लेकिन पूजा तो दोनों के मिलके ही करके पड़ी है, परंपरा है। हाँ बिल्कुल। सुनी कल गणेश जी के पूजा करा के शादी की तैयारी शुरू करे के बा। का शादी की तैयारी शुरू कराल बाड़े, ये तो अच्छा बा। ठीक बा, जोन करे के बा ऊ करा। ऊ पूजा हमनी दोनों के मिल के करे के बा, माँ जी खास फोन करके कह ली। ऊ तू अकेले करबू के साथ मिलके करे के देखी? और ना जी ऊ शादी में दुल्हन के पिता के तौर पे जहाँ भी जरूरत होगे आप हाजिर होगा। जौन काम आपके बाबू हर एक काम आप ही करब। अगर आप हमरा से वादा कराता नहीं तो हम साइन कर देब। ओकरा खातिर का करे के बा हमरा के बताना। वासु जी के हिसाब हो गए, रघु जी के हिसाब हो गए, टोटल मिला के 17,000। अच्छा हाँ करेक्ट। सुनी अंतरिक्ष भैया के नाम लिख देनी ना। हाँ हाँ लिख देनी। ए सुनता, हाँ अद्रेपुर भैया के नाम लिखला ना। उनका हमने के बीच में बातचीत बंद बना। बातचीत बंद बा के का मतलब बा? तू यहाँ ना रहला था तोरा के नहीं के बता, हमने के बीच में काफी समय से बातचीत बंद बा। ऐसन बात तो नहीं के ना जिकरा ठीक ना कहल जा सकेला। उनके बस आप शादी में बुला के तो देखी बातचीत फिर से शुरू हो जाई। बुलावे पर भी वो ना आई हन। ना आई ही आप सोचता नहीं, बुलाईले पे आ जाइए वो सोचत हुई है, बुला के तो देखी। अगर आ गए तो सब खुश हो जाइए, ना ही ले तो आपके पास सही आप खुश हो जाइए। का कहा तारी? कुछ भी कह के अपन बात मनवाई ले वेला तू। चला ठीक बा। दादी माँ वो भी आ जाइए, अब तक खुश बाड़ू ना? बहुत। हम पोता या पोती के शादी सिर्फ देखे खातिर ना करावता नहीं, शादी में रिश्तेदार आवेलन, दोस्त आवेलन, हमनी के अपन लोग आवेलन। अगर हम कहीं देखे के बाद सबके बोलावा, कबो न बोले बा ना ऊ आई है ईजा। अगर कहीं की
घर में शादी है तो सब आई हैं। उनके देख के हमनी के 70 साल की जिंदगी दिखाई देवेला। सुनी पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ बानी? अब 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 इतना जोर से कहे चिल्ला तोरा? चिल्ला रहल बानी, बोला रहल बानी। इली राउर मामा जी के 25,000 उधार। सिर्फ 25,000 रुपया नहीं खे, 2,75,000 बा। का 25,000 के ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाला भी इतना ब्याज ना लेवेलन। वैसे इतना पैसा हम कब लेनी? वो है पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम से 20,000, चाय के टपरी पे चाचा के 10,000 और। अरे वाह, हम बाहर से उधार लेनी इरुवा से के कलर। गांव में जेकरा भी जोन भी प्रॉब्लम होखेला वो मामा जी के पास आवेला, तो के उधार देवे वाला भी यही जाके गई ले। उनका से पहले हमने पैसा ले ली, अच्छा ना लगी ना, यही से सारा पैसा देला के बाद बाइक ले जाइया। जी रवा की वाणी। हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी अपन बेटी के शादी खातिर भेजले बाड़न। ओह अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी है संभालेलन। दिस इज रवि, डाइनिंग रूम संभालेलन। एकरा के ओपन कर दी सर? का का ओपन कर दी? हम अपन सारा वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखेनी। ओ ओ आई सी। इस शहर में जितना भी बड़ शादी होला, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर के शादी हम ही मैनेज करेनी। ये शादी भी ऐसे मैनेज करब कि हिस्ट्री में याद रही। जरूरत नहीं की, वैसे भी वासु के शादी के काम संभाले खातिर ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर बाय। 100 इवेंट मैनेजर्स केने केने बड़े भैया देखी। अरे जल्दी करा, अरे का करा तेरा, अरे उठाओ जल्दी, हां लगाओ लगवा। उस सब अपने के रिश्तेदारों गांव वाला बड़न शादी के सारा काम होए लोग करियन, तो हमनी के का करब? अभी खातिर रेस्ट करी रहुआ सब। अरे वीर भैया जी, छोटी मां के खातिर रूम दिखा दी। जी आई। ओके कमाल बा। अब सुनी, उ लोग के बाद में देख ले, अभी के अभी इतना कर्जा चुकावल हमरा से ना हो पाई, हम ऐसा का करें कि हमार बाइक हमके मिल जाए? ठीक बा, अब से उ लोग के का चाहे ई तोके देखे के पड़ी, और तोहर बाइक के का करे के भाई हम देखब। ठीक बा ना? ठीक बा। सर लगातार यहाँ कोनो काम नहीं। हमरा जैसन क्रिएटर के पास हमेशा काम होखेला। अभी हमरा के एगो ब्यूटीफुल थॉट आइल बा। कैसन थॉट आइल बा? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज, माने एक गांव के शादी में का कइल जाला, कैसे कइल जाला, सब के फोटो डिटेल्स। हाँ ठीक बा। नानी नानी बीपी टैबलेट। हमार पोता के शादी है, एक खुशी में हमार बीपी शुगर सब नॉर्मल हो गेल बा। तू ना मनबू, खुशी के साथ साथ दवाई लेला, जल्दी ठीक हो जाइबू। अरे मानू का सोचत बाड़ो, जल्दी से लेला। भैया इनका पत्रिका आ गेल बा। पद्मा एला देखा तो सब ठीक बा ना? सब कुछ ठीक बा मामा जी। माँ ये पहला कार्ड ले जाके भगवान के सामने रखता, दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमने के लेकी वाला के देबे के बाना। वैसे भी शादी के कपड़ा लेवे खातिर जाए के बाना, श्री के कार्ड देके उनके शॉपिंग खातिर ले चलब। शॉपिंग खातिर जाए के बा, हम हो चलब। माँ लेडीज सेक्शन हो जा बा, रवा लोग हो जा जाएंगे। हाँ जा जा जा। और जेंट्स, अरे का करा था? अरे का करा था तू? अगर कुछ ट्राई करे के होगे तो ट्रायल रूम में ही अमल चला ना। का ट्राई करबू तू? किस का है? लेकिन के ही लेकिन पर प्यारा वेला, हमने के ना वेला, हम ना कर सके ने। जितना शरीर दिखे लू ना उतना बाड़ू ना। कले लाला कि तू केहू से कुछ ले विला तो ओकरा जल्दी ही लौटा दे विला। दे तो दे, लेकिन ट्रायल रूम में आके किस लौटाइल तनी। वासु कहाँ बड़ा तू? ऐजे बनी ट्रायल रूम में। ठीक बा, जल्दी बाहर आवा, बुआ बुलावा तारी। हाँ आओ तानी। ये डिजाइन अलग बा है ना? हाँ माँ तू बुलाई लू बहु खातिर साड़ी सेलेक्ट कर दो। हम काहे सेलेक्ट करी, ये आ गई ना खुदा सेलेक्ट कर ली। पदु तू जरा वहां जाके बैठ जा। ये कैसन लागल? अब बैठी, अब बैठ। अच्छा शादी में रिश्तेदारन के भी साड़ी देवे के होखेला, वो भी एजे ले लेवल जाए ना? हाँ ठीक बा माजी। हमने के रिश्तेदार कम से कम 25-30 होई है, उनका खातिर 10,000 में हो जाए और बाकी खातिर 2-3,000 में हो जाए।
चाची हमरा के वो डाउट बा। बोला बासु। जे शादी में आई है वो हमरा और श्री के एक जैसन आशीर्वाद दे है या फर्क हुई? अरे का बोला तारा, आशीर्वाद तो एक जैसन हुई हो खेला ना। जब वो आशीर्वाद देवे में फर्क ना करी है तो हमनी तोहफा देवे में काहे फर्क करता नहीं। वो हमनी के मेहमान बाड़न, सबके दर्जा एक है। अगर हमनी उनकरा में फर्क करे लगली तई तो गलत हुई ना चाची। उनकरा कुछो ना दी चली, लेकिन तुम देखे उनकरा दुखी ना करे के चाहिए। शादी के न्योता में फर्क, खाना में फर्क, तोहफा देवे में फर्क इना कह जाला, सबके एक जैसन देवल जाई। बहुत अच्छा बात कहला बेटा। जीजू कितना जोड़ी लेता रहा? 25 जोड़ी। 25 जोड़ी? हाँ, तो हार दीदी था दिन में 3 साड़ी बदले ली। अब घर में शादी बात हर घंटा में बदली ना। हम होकर पति बानी तो होकर जैसे दिखे के चाहता ना। ले ला जीजू। बहन जी। जी भैया। वो अबले आई जा आइलन ना। कोनो मीटिंग में हुई है वो, आ जाई है। शादी के कपड़ा खरीदत समय सब साथ रहतन तो अच्छा होखित। भाई साहब हम हूँ ये चाहत रहनी, आज ही है वो। ये डील 5,000 करोड़ के बाद, लेकिन बाकी शेयर के जहां हाँ सर मीटिंग में बाड़े और हमने यहाँ वेटिंग में पानी जाके सर के फोन दी। द वे वी आर गोइंग सर, वासु जी के फोन। जस्ट अ मिनट। हेलो, शॉपिंग छोड़ के मीटिंग कर रहा बानी आप? 5,000 करोड़ के मीटिंग बा। हाँ तो का भेल? मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के हम तहरा के वहाँ साड़ी सूट दिलवावे आए? करे के पड़ी ससुर जी, परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ दूल्हा के कपड़ा खरीदल जला तो खरीदी। अपन बकवास बंद करा। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी फॉर मी। टाइम के हम ऐसा छोट बात खातिर वेस्ट ना करें। नहीं, ये डील हो जाई तो आपके बैंक बैलेंस तनी से बढ़ जाई, आपके कंपनी के एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगी। श्री बताऊ ले रहे कि आप हमेशा कह ली के जबान दिल बिजनेस स्टार्ट करे के जैसन हो खेला उकरा पे खरा उतरल बिजनेस के सफल करे जैसन। आप तो एगो सफल बिजनेसमैन बनी ना, तब आपके जवान के वैल्यू हम कैसे समझाई। हाँ भाई अच्छा बना। हाँ अरे तो ले लो ना फिर। हाय ससुर जी, तू आवे खातिर कहला आ गई नहीं? कितना टाइम लगी? 15 मिनट में हो जाए? सिलेक्शन में तनी समय लग जाए, तनी इंतजार करी। वो कहा की सासू माँ कंफ्यूज हो रहा बाड़ी के कौन साड़ी खरीदी, तो आप जाके उनकर मदद कर दी जाई ना। हाँ लक्ष्मी। सुनी ना, इन सब में से कौन साड़ी अच्छा बा? प्लीज। हाँ ये वाला ले ला। थैंक यू। हाँ ये वाला गांव में चाचा जी के देके आखिरी वाला दादा जी के देवे चलल जाई। भैया अकेले अकेले खेलता नहीं? अरे हम अकेले नहीं खेलल, पोस्ट ऑफिस वाले सुब्बा राव भी हमारे साथ खेला थड़े। सुब्बा राव? सुब्बा राव कहाँ पड़न? ये देखा ही रहले। कहाँ? स्काइप पर। अरे तोर पत्ता के नहीं बा? वहाँ पत्ता ले वालन, हम यहाँ पत्ता ले वनी। जे जीतेला ओके ऑनलाइन पेमेंट हो जाला। ऐसे वीडियो कॉलिंग तो आप ही कर सके। सुना रिश्तेदार आयल बाड़े, उ लोग के गैला के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दे। ठीक बा? हाँ ठीक बा, ठीक बा। चाचा। हाँ बोला। शादी में आवे क्या पड़ी? हाँ, जरूर आई। याद रखिया, याद रखिया। और खाली आप ही ना, पूरा परिवार के लेके आइया। हे का बेटा, 4 दिन पहले आके शादी के काम पास रह के ही कराई। ये भाई ना बात। मतलब शादी में सबके बुला रहल बाड़ा, सोचले रहनी हमके ना बुलाई बा। आपके बुलेले बिना कैसे चलत दादाजी? सुन ले बानी, तोहार ससुर जी बहुत अमीर बाड़े, दहेज कितना मिल रहल बा? आप तो जानता नहीं बुआ, पापा के खाली देवे आवेला लिहल ना। दादी कहले बाड़ी की आपके शादी में जरूर आवे के बा,
तुहार दादी तो चाहिए कि हम नहीं आई, लेकिन बाकी लोगन के भी तो अच्छा लगे के चाहिए ना हमने के आई। काहे ना अच्छा लगी दादाजी, कबो बाढ़ आ जाए तो हमनी खेत के फसल के बचावे के कोशिश करे, और इता जिंदगी भर चले वाला एगो रिश्ता ऐसे कैसे छोड़ देब। दादाजी आप आई ना? हे, घर तक बुलावे आयल बाड़ा तो काहे ना आईब, शादी के एक हफ्ता पहले ही आ जाइब, ठीक बा? ठीक बा दादाजी। चलो तनी मामा जी। हाय 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 पद्मा, फाइन तू कैसन बाड़ी? हाय पद्मा, पहले इनकरा से तो मिलला। इस सब हमने के ऑफिस के लोग बाहर, अक्षरा, प्रियंका, राजेश। आओ लोग, चल अंदर चल। हाँ चल, आओ आओ आओ। शांति, अभी वासु के घर पर आयल बानी, देखा कितना अच्छा माहौल बा, सब लोग आयल बारन। जाना तनी गांव में बाड़ा, अगर कोनो ऐसे निवेशन हरकत कर लेना तो चमड़ी निकाल दे, याद रखिया। ठीक बा, बाद में करी? जरूरत नहीं के, हम फोन करब तू आंसर करी है। अच्छा ठीक बा। खौरिया शांति रहेगा। हे वासु, हेलो। शादी के नूर फेस पर हाउस पर दोनों जगह नजर आ रहा है। तू लोग आगे बड़ा धमाल निकल जाई। चल हे वासु, पहला बार गांव की शादी देख रहल बानी, ये एक्सपीरियंस याद रहे के चाहिए। याद रहे, चल चल। सैया सैया इली कहै दातून भाई विलेज पे गांव में कदम रखते बोले रहलू ना कि एक्सपीरियंस लाइफ लाइन भूलल ना चाहताड़ू, कर लो एक्सपीरियंस घिसत रहा। कल भी ये मिली का नया वाला मुंह में रखते बियर के टेस्ट आ रहा बा, आई लाइक इट। ई का विलेज टिश्यू है का? विलेज टिश्यू नहीं है, स्वीट बा, खा के देखा कैसन बा। पलटू रे पलटू रे नारियल पानी पिए तू रे, पलटू रे पलटू रे होई जा खनी मस्त रे, पलटू रे पलटू रे पीला नीरा तू रे, पलटू रे पलटू रे तनी स्नेह से भर तू रे। कद्दू के दाल बाका एक कद्दू दूसरा कद्दू के ना खा सकेला। जानकी कद्दू के दाल लेके आवा तनी। सुबह से जोन हो रहल बा एक्टिविटी जोकर फोटो ले लू? हाँ हाँ सब ले लेनी। ओके स्वीटी, ओपन कर दी सर। कर दा, सारा फोटो अपलोड कर दा। ठीक बा सर। तू का कहला रवि? भोरे से जे जे खाइल बानी सबके लिस्ट बनो ले बानी। गुड, शादी के कोनो भी फोटो मिस ना होके के चाहिए। ओके सर। ओके सुना गणेश। हाँ जाना तड़ा, शादी से पहले ये सर हरा पत्ता कहे लगावल जाला? कहे लगावल जाला? कहे कि शादी से पहले जीवन ऐसे ही हरा भरा रहेला। और पता बा कुछ दिन बाद सारा पत्ता के का हो खेला? सूख जाला। लेकिन के लाइक भी ऐसे नहीं हो खेला। ए, ए जे हमार शादी हो रहल बा, दादी तो हर बात सुन ली है ना, तो हड्डी तोड़ दिया। श्री बोला का करल बड़ा वासु, बहुत बिजी बड़ा का। हाँ बिल्कुल, हमनी के शादी के तैयारी कितना कैल बा दिखावा हमरा के आयल बा यो दिखावा तारी। तहार दोस्त लोग। ओ तू लोग आ गए ला? कब के तोरे कभी बा जल्दी आवा। देखा शादी की तैयारी हो गई बा और मंडप ऐसे लगे वाला बा, सारा अंकल लोग पत्ता खेल रहा है। शादी के सारा धूमधाम तो ऐसे दिखाई दे बा, हमरा भी आवे के बहुत मन बा। हम औजा कब आ सकेनी? अपन दादी से पूछ के बतावा ना। एक मिनट दादी, दादी श्री के कब ले आवे के होगी? कब आवे के बा एकर का मतलब? शादी में अब एक ही हफ्ता बचल बाना, कल ही अच्छा मुहूर्त देख के निकले के कहीं, लड़की वाला बाड़े उनके ईजा बहुत काम हो खेला। सुन ले लू, कल ही निकल के आ जा। तू पगला गयल बाड़ू का? शादी में अभी एक हफ्ता बा, कल ही हम ईजा जाके करब का। वासु के दादी कहनी की शादी में बहुत काम हो खेला। वो लोगन के पास खाली सदिये बा, हमरा पास 100 काम बा। आई एम रनिंग ए बिजनेस एम्पायर हियर। पता बा उनकर प्रॉब्लम का बा? शादी के बात करे उनकरा गांव गईनी, शॉपिंग खातिर मॉल गईनी, बुलावे पे जा रहा बानी, सोचा तारे की खाली बानी। सुना हम शादी के एक दिन पहले ही जाइब, कादा उनकरा से। शादी के एक दिन पहले आवे के का मतलब भइल? एक हफ्ता में शादी रख के फिर अचानक इतना जरूरी काम का गेल उनका? जब तू कहला कि श्री से तोरा शादी करे के बा
तो पता बा घर के सारा लोग काहे मान गईले? काहे कि सबके तोहरा पर भरोसा बा। हमनी के लागल कि तू सबके बारे में सोचेला। हमनी के और भी कितना सारा रिश्तेदार बाड़े, उनकरो बारे में तो सोचले होखबा ना। तोहर दादी शादी अपना इच्छा के हिसाब से कल चाहता रही, बाकी जौन कुछ भी हो रहल बा उस सब से हमार भरोसा टूट रहल बा। कौनो प्रॉब्लम बा का? कुछो ना पापा। कौनो प्रॉब्लम बा तो बता दे बेटा। कहानी ना कुछ नहीं खे, जैसन दादी सोच ले बारी शादी वैसे नहीं हुई, वो लोग कल आ जाइए। ये कोनो सिंपल शादी नहीं की, बल्कि ट्रेडिशनल शादियां। तब सब लोग आई और हमने के आशीर्वाद दे। सुना? हाय ससुर जी। तो यहाँ कैसे? आपसे मिले घर आवे वाला रानी, लेकिन घर से ज्यादा आप यहाँ रहेली, तई खातिर यहाँ आ गई। आप पहले मीटिंग खत्म कर ली, ओकरा बाद गांव चले के बाद। हम कहानी ना नहीं खे हो सकत, हमार शेड्यूल बहुत हेक्टिक बा। हाँ हम जानत आनी ना ससुर जी। हेलो। हाय आर के, कैसन बाड़ा? हम ठीक बनी। अगला शुक्रवार के तुम्हार बेटी के शादी बा, तुम्हार दामादा के वेडिंग कार्ड देके गेल बा, और शादी से इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, हमने मीटिंग शादी के बाद रख ले जाई। हाँ ओके बाय। हेलो। कांग्रेट्स मिस्टर आर के, वी विल डिस्कस आवर प्रोजेक्ट आफ्टर योर डॉटर्स मैरिज। ओके, आई विल मीट यू इन द मैरिज। ओके देन, ठीक। थैंक यू। हेलो। तुम्हार बेटी के शादी बना? हम जरूर आए, गॉड ब्लेस यू। आपन ससुर के शेड्यूल यही से मंगले रहला, तू मामूली इंसान नहीं खा। शादी के एक दिन पहले आवे वाला रानी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी, अचानक इतना प्रोग्राम कैंसिल कइल आपके खातिर भी मुश्किल हुई। यही से सबसे बात करके हम पोस्टपोन कर देनी, हम बाहर वेट कर दानी, जल्दी आई। हाँ नमस्ते संधि जी। नमस्ते। आई। हाँ जीजू। हाँ इनकरा के अपना घर हाँ, लेके जाई। रउआ ओई जाओ घर में रहे वाला बानी। ए पैर दबे खातिर पानी लेके आवा। आवा। नमस्ते। नमस्ते। आप इहे रूम में रहा, बहुत अच्छा बा। अब हमनी दोनों सेम एज के बानी ना, तो तू हमरा के आप करल बाड़ू तो अजीब लगता। कॉल मी श्री, हमू तोरा के नाम से ही बुलाए। ठीक बा। ई फोटो के कर हा? हमारो बासु के बचपन के फोटो है। ई फोटो बासु और हमार बचपन में ही शादी हो गेल रहे। शादी उहे गुड्डा गुड़िया के शादी। बेटी शुरू से कहा तैयार हो जाए, पंडित जी आ गए ले। हाँ सुनी, लड़की के पिता के सवेरे उठ के दूसर कोनो भी काम करे से पहले स्नान आदि कैला के बाद शादी के कार्य करे के होखी। कैसन काम पंडित जी? खेत से ले आवल पहला फसल के रउआ के मटकी में भरे के होखी, और रक्षत के चावल रउआ के ही धोके सुखावे के होखी। दुल्हा और दुल्हन के बीच पकड़े वाला कपड़ा के हल्दी लगा के बीच में ओम लिखे के बा। इतना ही ना, और भी कई काम होखेला संधि जी। इनकरा ही ना, लड़का वाला के भी बहुत सा काम होखेला। सुबह सुबह जल्दी उठे के पड़ी सबके। आ जाओ घंटा जमता बह जाए सारा डंडा।
एक काम करो, तू लोग वहाँ जा, ओकरा बाद अगर कुछ हो तो हमके बता दिया, बाद में यहाँ चल। हाँ का भइल? ए अरे का हो गइल? थैंक यू वासु, थैंक यू सो मच। आपका भइल? सिर्फ तोहरा वजह से हमनी की शादी इतना अच्छा से हो रहल बा। हमार डैड हमनी खातिर सब कुछ कर रहल बाड़न, पता बा कितना खुशी हो रहल बा हमरा के, और हमार मम्मी भी बहुत खुश बाड़न। थैंक यू वासु, थैंक यू वासु। बुआ बोलावा तरी। हाँ आवतानी। नानी नानी हमरा के भी मेहंदी लगावा ना। माँ बुलाउनी है का? हम तो ना बुलाइनी, बाकी पद्माता काली के। बासु के दोस्त बड़ा लोग ना। आवा आवा जाओ तरफ जा। लगत बरुआ के काफी रिश्तेदार बड़ा। रिश्तेदार कम और ज्यादा का हो खेलन? अगर हमनी के ज्यादा लोग चाहे तो ज्यादा हुई है, और लगे कि हमनी काफी बनी तो बस हम ही रह आई। चला बेटी। बेटा खराब हो जाए। ना दिखाई ना दिखाई। अरे वाह। हाय दादी। हाय बेटा। का दादी 70 साल के जिंदगी दिखाई देत बना? दिखाई दे रहल बा। जानता इस सब के देख के हमरा के कितना खुशी हो रहल बा। तहार का बा, तू तो जिंदगी अच्छा से बिता देलू, हमके भी अपन जिंदगी अच्छा से बितावे के बा। मतलब बता बतानी। माँ पापा ससुर जी सासू माँ सब लोग सुनी। श्री तनी ये जावा। जा, जा। आप में से बहुत लोग शादीशुदा जिंदगी देखले बानी, हमनी अब देखे वाला बानी। तब शादी के बारे में, शादी के बाद होखे वाला चेंजेस के बारे में हमनी आपसे सुने चाहता नहीं। अभी वो सब कौना खाते? जरूरी बात चाचू, आजकल कई लोग शादी में जाले, वहाँ के सब विधि विधान में भाग भी ले वेले, लेकिन घर आवे के बाद कुछ याद ही ना रहेला, शादी में गए लहन ऐसा लागत ही नहीं खे। बचपन में दादी माँ बतैले रही, शादी के मतलब त्योहार होखेला, और अगर ऐसा शादी होके तो जिंदगी भर याद रहेला। हम अपन कई शादीशुदा दोस्त और साथ रहे वालन के देख रहल बानी, केहू पत्नी से डरायला, केहू पति पे गुस्सा बा, ईगो और छोट छोट बात बात तलाक तक पहुंच जाला। यही से आप सबके याद, आप सबके अनुभव हमनी के बताई के शादी के बाद खुश रहे के राज का बा। दादी माँ आप शुरू करी। अरे ऐसे अचानक पूछ बतक कैसे? पूछ लेनी ना, शुरू करी। तो हर दादाजी कहल करत रहले, हमनी के पैदा होके के बाद जोने तरह हमनी के माँ बाप के देखत करेनी, बच्चन के पैदा होके के बाद वही तरह पत्नी के भी देखे के चाही। अगर ये बात याद रखबा तो शादी अच्छी रही। एकरा भी ऐसे ही देखी है बेटा। अगला मामा जी। हाँ अब रहुआ कहीं ना हम ठीक बा। बेटी वो टैप दिया, पति पत्नी के बीच के प्यार डब्लू जैसन हो खेला, नया नया शादी के बाद उनकर बीच के प्यार ऊंचाई पर रहेला, बाद में बचपन के वजह से करियर में सेटल होखला के प्रोसेस में प्यार घटत जाला, दोबारा जब बच्चा लोग बड़ा होके
अपन काम करत करत लाइफ में वो सेटल हो जाए ले, तब उनकरा बीच के प्यार बढ़ेला। ओइजा से बचपन के शादी उनकर जिंदगी सेटल करे तक प्यार थोड़ा घटेला। एक बार जब जिम्मेदारी खत्म हो जाएला तो एक दूसरा के सहारा बनके एक दूसरा के प्रति उनकर प्यार फिर से बढ़े लागेला और दोबारा ऊंचाई पर आ जाएला। मतलब पति पत्नी के प्यार ऊंचाई से शुरू होके ऊंचाई पे ही खत्म होकेला। बीच में आवे वाला उतार चढ़ाव के छोड़ के जे एक दूसरा के अच्छा तरह से समझत चलेला तो उनकर जिंदगी खुशहाल होकेला। हमनी के तरह ए कैसे लगा चला? फूफा जी अब आपके बारी बताइए। पत्नी जैसन कहे करत जा, लाइफ अच्छी रही। हमार अर्धांगनी जैसन कहत अड़ी वैसे करे नहीं तो झगड़ा ना होखेला। राउर बात भी हम माने नहीं ना, इसे हमनी में झगड़ा ना होखेला। ससुर जी अब आप बताइए। अब हम हाँ बोली ना। अब हम बोला था नहीं ये कही हन। ओके आप बताइए। हर लड़की बचपन से लेके एक उम्र तक अपन सारा फीलिंग अपन पेरेंट्स के साथे शेयर करे ले, बाद में भाइयन के साथे, बहन के साथे और ओकरा बाद फ्रेंड्स के साथ, फिर कलीग्स के साथे। हर एक स्टेज पे केहू न केहू ओकर जिम्मेदारी लेवेला, पर इस सब के जिम्मेदारी एक साथ लेवे वाला सिर्फ पति होखेला। हम औरतन के छोटा छोटा खुशी होखेला बासु। घंटों मेहनत करके खाना बनावे के बाद पति बस एक बार कह दे कि खाना अच्छा बनल बा, वही हमने खातिर काफी बा। जब श्री पैदा भइल रहे तो हर ससुर जी ओकरा के अपना गोद में उठौले रहलन तो बहुत खुश भइल रहलन। उ दिन से लेके आज तक हम अपन सारा दर्द भूल गेनी। जाना तारा पति साथे चल के कुछ खरीदवा दे तो पत्नियन के कितना खुशी होखेला। जब ई उ दिन दुकान में आके हमरा खातिर एगो साड़ी सिलेक्ट कैले तो हमके बहुत खुशी भइल। इतना साल के हमनी के रिश्ता में ई दूसरा बार रहे जब ई हमरा साथे रह के हमरा खातिर एगो साड़ी खरीदलन। पहला बार जब हमनी के शादी भइल रहे कहल जाला कि औरत को छुपा ना सकेली, लेकिन हमने बहुत कुछ छुपा सके नहीं। बस अपन पति के प्यार के सिवा। श्री बहुत खुशकिस्मत भी है कि तोहार फैमिली में जा रहा दिया। डैड, डैड, मिनिस्टर जी के पीए कॉल कैले रहले अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ। हमके थोड़ा टाइम दा प्लीज।
पद्मा के जबिया पता ना यहाँ तो रहल अभी पद्मा के देख ले हका ना हम तो ना देखनी शादी में जरूर रहिया ओके बाय सुन ना पद्मा दिखाई नहीं खेदित कहीं जा गई लोगी ऐजे कहूँ हुई काहे टेंशन लेता हूँ हम दिखाते नहीं हाँ तू जा आवतानी पद्मा ए पद्मा ऐजे का करता रू का भइल रोवत काहे भाड़ू तू हमरा से नहीं के हो रहल बासु तोरा हमरा से ए तरह दूर गेल हमसे बर्दाश्त नहीं के हो रहल बा हमरा के तू बहुत पसंद बाड़ा सोच ले रानी की तू जैसे ही आई बा वैसे ही तो के अपन मन की बात बता दे लेकिन हमरा बतावे से पहले तू अपन मन के बात घर वालन के बता दे ला हम तोरा से बहुत प्यार करेनी बहुत सपना देख ले बानी तोरा से शादी करके ये घर में रहे के लेकिन ये घर में तो हमार जगह श्री की तैयारी कैल जा रहल बा लगता जैसे हमार जगह छीन रहल बिया शादी के मंडप के तैयारी पे फूल तैयार कैला पे इस शादी के रिलेटेड कोनो भी काम कैला पे ऐसा लगता कि हमरा खातिर होके के चाहत रहे बचपन से ही नानी हमरा की बात कहत आवत रहली कि बासु ही तोहर पति बने वाला बा एक बार तोहरा से कह देती कि पद्मावती तोहर पति बने वाला बिया तो शायद तू भी हमरा की ही नजर से देखता ना हाँ ना बासु लेकिन हम तोहरा के हमेशा एक दोस्त ही मन ले बानी हम श्री से प्यार ना भी करती तब वो हम तोहरा से यह कहती तू हमरा बारे में सब जाने लो सब समझे लो फिर भी तू ऐसे है समझे नहीं बासु ऐसे ये बात केहू के ना बतानी हम लेकिन आज जब तू पूछ ले तो खुद के रोक ना पहनी और सब कह देनी एक बात तो सच है बासु अपना से कबू कुछ ना छुपावे के चाहिए सही वक्त पे ना बता के बाद में बताइल तो खुद के कबू दुख के सिवा और कुछ ना मिलेला अरे ठीक बा तू सब देख ला ना मामा जी सारा इंतजाम कर दे 200 लोग एक साथ ही खाना खा सकते ठीक बा बस ये देख ला कि जौन लोग भी आयल बड़े उनका कोनो तरह के तकलीफ ना होके ठीक बा मामा जी डैड मिनिस्टर के पीए के बार-बार फोन आ रहा बा एक हम मिनिस्टर से बात करके प्रोग्राम कैंसिल कर देले बानी उनकरा के प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए बाद में मिल जाए यजमान कहीं पंडित जी रउआ यहां आके बैठी हां ऐसन पारंपरिक शादी देखले हमके बहुत दिन हो गेल हम डेस्टिनेशन वेडिंग करौले रहनी लेकिन ये शादी देख के 25-30 साल पुराना शादी याद आ गई। आरके जी हमरा से कहले रहे कि शादी खातिर 5 दिन टाइम काहे बर्बाद करेंगे और अपन बेटी के शादी में वो सारा काम खुदे करन पड़े। आई बैठी। I'll just check it. Yeah, thanks. शारदा बाहर पंडित जी कब से दूल्हा के बुला रहल बाड़े देर काहे हो रहल बा एकला के लेके चला चल बेटा चल चल हां चल चल अरे चल ये अच्छा सुन जब तो बड़ा हो जाएगा तो हर शादी भी ऐसे ही करवाई ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः गृह्णामिते सुप्रजास्त्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्याथासः जब तू कहला कि तोरा श्री से शादी करे के बा पता बा घर के सब लोग काहे मान गईले काहे कि सबके तोरा पर भरोसा बा
बेटा एकरा नीचे रख दा। भगो अर्यमा सविता पुरंधिर महियाम त्वादो गार्य पत्याय देवा। बेटा अभी अक्षत और फूल वहां चढ़ा दा। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि ही। शादी के मंडप मंदिर जैसन हो खेला। यहाँ अष्ट दीपालक सप्तऋषि सब हो वेलन। एक बात तो सच है बासु, अपना से कबो कुछ ना छुपावे के चाहिए। सही वक्त पे ना बता के बाद में बताए तो खुद के कबो दुख के सिवा और कुछ ना मिलेगा। ये बात हमनी के बीच में रही। जब तू कहला कि तोरा श्री से शादी करे के बा, पता बा घर के सब लोग काहे मान गईले? काहे कि सब के तोरा पर भरोसा बा। अपनन से कबो कुछ ना छुपावे के चाहिए। सही वक्त पे ना बता के बाद में बताई तो खुद के कबो दुख के सिवा और कुछ ना मिलेला। तो आ भाई बेटा, ऐसे शादी के मंडप से उठ के ना जाय जाला। बैठ जा। बासु खड़ा कहे हो गिला? आपसे बात करे के बा। हमने शादी के बाद बात करब ना, बैठ के पूजा करा ना। पापा अभी बात करे के बा। अगर अभी बात ना करनी तो आप क्या हो श्री के गुनाहगार बन के जिए के होगी। सॉरी ससुर जी, आपसे वादा कर ले रहनी की बात केहू के ना बताई बा, लेकिन अब हमरा से रहल ना जा रहा बा। वहां बैठ के कुछ ना कर पा रहा बानी। कैसन वादा कर ले बड़ा बेटा? दादी माँ, शादी से पहले ही श्री के तलाक देवे वाला कुछ डिवोर्स पेपर पे ये हमरा से साइन करवा लेंगे। शादी से पहले तलाक कैसे है? उनकरा हमनी के प्यार पे भरोसा नहीं के या इस शादी पे भरोसा नहीं के, ये तो हम नहीं की जाना था। वो कहलन कि अगर शादी खातिर हाँ करे के बता हमरा दस्तखत करे के पड़ी, तो हम कर देनी। एक बात भाई, हर माता पिता चाहे ले कि उनकर बच्चे शादी के बादे मिलके रहे, और रउआ बान की शादी के पहले ही गलती उनकर नहीं की दादी, हमार बा। हमनी के प्यार के बारे में सबके बतावे वाला हम ही एग्रीमेंट के बारे में केहू के ना बता पैनी श्री। सॉरी। बचपन में बुआ के शादी में पंडित जी मंत्र पढ़त समय हमरा के होकर मतलब समझो ले रहा। ध्रुवं ते राजा वरुणो, ध्रुवं ते देव बृहस्पति, ध्रुवं ता इंद्रश्चा दाहितो राष्ट्रम धार्यताम ध्रुवम। जब तरह सिर पे जीरा और गुड़ लगावल जाला तब ध्रुवं ते राजा वरुणो, ध्रुवं देव बृहस्पति, ध्रुवं ता इंद्रश्चा दाहितो राष्ट्रे धार्यताम ध्रुव, ऐसन कहल जाला। मतलब अष्टदिक बालक के साक्षी मान के वादा करे के होकी कि हमनी दोनों साथ रहब, लेकिन जो उन कागजात हमनी के अलग करी ओकरा पे दस्तखत करके हम ओई जा बैठ के वादा कैसे कर सकेली श्री। कन्यादान करत समय धर्मेचा अर्थेचा कामेचा मोक्षेचा नाते चर्तव्य, ऐसन कहल जाला। मतलब धर्म अर्थ काम में हम तरह के धोखा ना देब, और एकरा बाद नादी चरामी कहल जाला। एकर मतलब बा कि हमरा के सब मंजूर बा, तलाक के कागजात पे दस्तखत करके धोखा देवे वाला ओइजा बैठ के नादी चरामी कैसे कह सकेला। तहरा गला में मंगलसूत्र डालत समय मांगल्यम तंतु नामिना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमुखे तो हम जीवम सरदाम सुमे, ऐसन कहल जाला। मतलब हमार जिंदगी के कारण इस सूत्र से मंगल दाम के रिश्ता तोहरा गला में बांध रहल बानी।
कब के रिश्ता के तोड़े खातिर दस्तखत करे वाला जा बैठ के वो मंत्र पढ़ सकेला काश्री। पहला गांठ बांधे के बाद उषा द्वैत तन्ने तहस्ता ग्रहो अश्विना प्रवाह ताम्र देन गुमान कश्च ग्रह पत्नी यथा सुवशी निवात व्रतम अवताभ्य। मतलब घर के मालकिन के तरह हुक्म चला के तू हमरा के सुधारे खातिर घर आ जाई हो खेला। लेकिन तोहरा के अपना घर भेजे वाला कागजात पे दस्तखत करे वाला तोहरा के गले भुलावे खातिर वहां बैठ के मंत्र कैसे पढ़ सकेला श्री, कैसे पढ़ सकेला? कैसे एक या तू ना वहां बैठ के हम जौन भी मंत्र पढ़ब होकर एको मतलब बा, जौन हर एक काम हम करब होकर पवित्रता बा, यही से ई मंडप में बैठ के हम इतना झूठा वादा ना कर सकेली, ये हमरा से ना हो पाए, हमरा से ना हो पाए, नहीं क्यों होत हमरा से? तू हमेशा कहत रहलू ना कि शादी के मतलब त्योहार हो खेला, ऐसा त्योहार इतना शर्त पे इतना गलती के साथ है, ना हो के चाहिए दादी ना। हम गलती कर ले पानी हमरा के माफ करती दादी, हमरा के माफ करती। वासु गलती हम कर ले पानी, तू सॉरी मत कहा। काव्या ये एग्रीमेंट के बारे में हमरा से गलती भइल बा, रउआ सबके हमरा के माफ करे के पड़ी। हर बात के बिजनेस की तरह देखे वाला हम हमेशा एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोचेनी, और हमरा खातिर ई रिश्ता करे से पहले ऐजा ई सब कुछ देखे के पहले शादी एगो इवेंट रहे। मतलब आपन घर के शादी या केहू और के, इट वॉज जस्ट एन इवेंट फॉर मी। ऐसा सोच रखे वाला हमरा के जब रसम में बुलावल जात रहे तो हमरा के हंसी आवत रहे। बाकी एजा इतना रसम होखेला ये गो जर्नी होखेला ही हमरा के पता ही ना रहे, सिर्फ हम ही ना बहुत लोग नहीं खे जाने लन। जब हमनी के घर में शादी होखेला तो इवेंट मैनेजर के सौंप के हम निश्चिंत हो जाएनी, केहू हमरा के शादी में बुलोले बा ना गईनी तो नाराज हो जाई, ओजा के फॉर्मेलिटीज के कंप्लीट करे के बा यही से जाए के पड़ी, अटेंडेंस डलवावल ही पता रहे हमरा के, दुल्हा दुल्हन के संगे घर वालन के संगे फोटो ले लेनी तो मतलब शादी में आ गई। हमरा जैसन लोगन के तो दिल से आशीर्वाद देवे के मतलब ही पता ना रहे। आशीर्वाद देवे खातिर अक्षत देवे पा ओकरा डाल के हाथ पे लगल हल्दी के साफ करे खातिर टिश्यू ढूंढे वाला हमनी जैसन लोगन के एहजा आवे के बाद समझ में आए कि वो अच्छत के पीछे चावल गीला कह के ओकरा के सुखा के हल्दी से रंगले के मतलब पिता के प्यार बा, जिम्मेदारी हा, बेटी के संगे ओकर रिश्ता के एहसास हा। परसों जब एजा बहुत रिश्तेदार आवत रहले तब समधी जी से हम पूछनी तो हमरा से एगो बात कहलन, अगर सबके आपन मानी तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा बाड़न और ना मानी तो हमनी सब अकेल बानी। तब हमरा के समझ में आई कि हम अपना आप के सबसे कितना अलग कर ले बानी, शादी की अहमियत जनले बिना हम अपन बड़ बेटी के संगे कितना अन्याय कहनी। जब अपन बीवी से कहनी लक्ष्मी हमनी के 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलल बा तो अच्छा जी कांग्रेचुलेशन कह के चल जात रहे, कबू एकरा आंख में इतना खुशी न देखनी। बाकी ओकरा खातिर जब हम मॉल में खाली 5 मिनट देनी और एगो आदर्श पति के तरह एगो साड़ी खरीदे पे कितना खुश भइली हम परसों देखनी। अपन बेटी के कॉस्टली गिफ्ट देवे खातिर हम कॉस्टली कार दिलवेले रहनी तब ओकरा आंख में इतना रिएक्शन ना रहे। बाकी जब ओकरा खातिर ओ पर्दा पा हम ओम लिखत रहनी पियर माटी से खाली माटी
ओसे पूजा करत समय ओकर आंख में जोन चमक देखनी ओकरा हम बयां नहीं कर सकत। एगो बिजनेसमैन बनके जवन हम सब के घर में रहल चाहत रहनी आज ले हम अपन ही घर में ना रहनी बाकी रउआ सब लोग सब के घर में बानी हम सोचत रहनी कि अपन बेटी के धन दौलत पैसा देके हम अपन निगाह में एगो महान पिता बन जाए। हमरा से अपन बेटी के शादी में सारा रसम करवा के पिता के जिम्मेदारी के एहसास दियावे खातिर थैंक यू वासु। तू जब हमरा से कहत रहला कि हम दूसरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे नहीं हमरा के समझ में नहीं ख्यावत रहे बाकी इट्स जस्ट ए पीस ऑफ पेपर ही जानत भी ऐजा मौजूद सबके बतावे के जरूरत ना होके पाभी अपनन से सच ना छुपावे के चाही सोच के सबका सामने तू सॉरी कहला ना ये तुहार बड़ संस्कार बा महान संस्कार। हमार काफी सारा दोस्त हमसे कहत रहले तुहरा बेटी से शादी करे वाला खुशकिस्मत बा ना वासु। हमरा लागत बा कि तुहरा जैसन दमाद पावल हमार खुशकिस्मती है। रउआ सबके दुखी करे खातिर हम माफी चाहतनी प्लीज फॉरगिव मी माफ कर दी हमरा। अरे हमनी के बीच माफी कैसन अब शादी के अहमियत पहले जैसन काहे ना रहल रिश्ता में से प्यार ए तरह दूर काहे हो रहल बा ई बात के जैसे रवा समझ गईली बानी ओइसे सब समझ जाए अच्छा होगी। जो ना रिश्ता में कोनो लगाव ना होके ओकरा आगे बढ़ावल और परंपरा के छोड़ के आगे बढ़त रहल सही ना है समझी जी। चला एक मिनट पापा उ मंडप में जाए से पहले इतना बड़बड़ तहरा से छुपावे खातिर तहरा से माफी मांगे चाहता नहीं। आई एम सॉरी श्री। इतना बड़ बात हमरा से छुपा के खाली सॉरी कह बासु का चाहता रू तू जिंदगी भर खातिर तो हर वक्त आ जाए। कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास कल्याण हरि कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास कल्याण हरि रघुवर श्री राम हो यदुवर श्री कृष्ण हो श्री श्री निवास पधारी प्रभु दे आशीष बांधी शुभ बंधन जन्म जन्म तक रही जे सदा कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास हे कल्याण हरि तोहरे कृपा से बाईश्वर जगत में अनुबंध बाई शुभ मन के शुभ मन से हई धन्य भागी बनी जे भी सहभागी सब मन में छाया आनंद सा आकाश बरसाई आनंद के बरखलियां सनैया रही सदा कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्री निवास कल्याण हरि रोजे मंगल ही लाई सप्तपदी लक्ष्मी के होई स्वागत वचन के वेदी मंत्र के ध्वनि लिखला एगो नया अध्याय दिन ही बसुख राशि जिनकी होई मधुमासी सब देव आशीष दे दिन ही बसुख राशि जिनकी होई मधुमासी सब देव आशीष दे कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्रीनिवास कल्याण हरि कल्याण हरि वैभव हरि श्री श्रीनिवास कल्याण हरि कल्याण हरि वैभव हरि
श्री श्री निवास है कल्याण। शादी इंसान के जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लावेला, वही तरह इस शादी के वजह से भी कई जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आई। शादी के अहमियत जान के काव्या तलाक के जिद छोड़ के सिद्धू के संगे रहे के फैसला कैले। जिंदगी में शादी के चैप्टर ही नहीं खेहा ई सोचे वाला प्रवीण शादी करे के फैसला ले लेलस। गुज्जी के संगे पत्नी के अहमियत जान के राजेश बाहर मस्ती कैल छोड़ देलस और शांति वीडियो कॉल कैल बंद कर देली। शादी खाली इवेंट नहीं खे, ई जान के अजय ओकरा लगे जे भी आवेला शादी कैसे होखे के चाही समझा के शादी ओही तरह करवा रहल बा। इस सारा बदलाव शादी के महानता के वजह से हो रहल बा। शादी हमेशा महान है, काहे कि शादी पुरान पीढ़ी के याद है, नया पीढ़ी के स्वागत है। ऐसन शादी के अहमियत देवे वाले हर व्यक्ति के समर्पित है ई श्री निवास कल्याणम।